स्वरूपा शांति स्वरूपा शक्ति स्वरूपा है गुरुदेव भक्ति स्वरूपा है गुरुदेव स्वागत है गुरुदेव आपका स्वागत है गुरुदेव स्वागत है गुरुदेव आपका स्वागत है गुरुदेव आपका स्वागत है गुरुदेव आपका स्वागत है गुरुदेव बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय गुरुदेव भगवान की जय हरि ओम मां मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुण ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि आचम्यो प्राणानायम्यो केशवाय माधवाय नारायणाय नमः स्तु वृक्षाल्य हृषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः चंद्रमा मनस आप सभी जो भी आरती के आज यजमान हैं आप सभी ऊपर आ जाएं मुख्य आयोजक श्री सुनीता बाजारी ओम प्रकाश बाजारी जी पिंकी बाजारी कान्हा बाजारी राधिका बाजारी आयोजक समिति के स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूँगा सर्वप्रथम पंडाल व्यवस्था प्रभारी श्री दीपक अग्रवाल जी जिनका आज जन्मदिवस भी है महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें और आरती के लिए मंच पर पधारें डॉक्टर श्री विकास अग्रवाल अनिल कुमार सहपत्नी रूपेश गोयल परिवार मनीष जैन अमित जैन शंकर लाल शर्मा ओम प्रकाश दुबे विजय ब्रजेश गुप्ता बद्री सिंह ठाकुर घनश्याम पारिक संजय शुक्ला अन्नू साहू नितिन झा बबीता अग्रवाल पुष्पा लाखोटी कशिश राजपूत रेखा सोनी स्मिता जैन आरती शर्मा सरिता सोनी विशा प्रीति माहेश्वरी रानी जी की संगीता जी अनिल रायचुरा सुमित गुप्ता आशीष मिश्रा हेमंत जैन महेश शर्मा जी आप जिनका नाम लिया गया है वही मंच पर आए आइए आरती की ओर चलते हैं चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाइश्च प्राणश्च मुखा अग्नि रजायत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति ये पंचम वेद निराला हो नव ज्योति जगाने वाला ओ ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती मधुर बोल जगमग खोल सगमग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घन
केन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदय अरविन्दे भवं भवानी सैकं नमामि भवं भवानी सैकं नमामि हरि ओम मांजलिन सीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनमस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा मंत्र पुष्पाञ्जलिः जदनेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाते हनाकं महिमानः सजन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् सेवन्तिकाम्बकुलजम्बकपाटलाब्जे पुण्णागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रपालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तौ गृहाण परमेश्वरा पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय व्यास नारायण भगवान की जय राजा रामचंद्र भगवान की जय बिहारी वाले हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। मंच पर जो भी उपस्थित आरती के लिए जो यहां आए हुए थे आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। मंच से नीचे जाकर अपने अपने स्थान पर बैठकर श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करेंगे। आप सभी से निवेदन है हाथ जोड़कर जहां खड़े हैं वहीं से महाराज जी को प्रणाम करके आप नीचे आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। मंच की शोभा बनाए रखें। आप सभी से करबद्ध निवेदन है आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। जो भी मंच पर हैं आप सभी से करबद्ध निवेदन है। बड़ा ही पावन सुअवसर और इतना सुंदर कार्यक्रम हमारे कृष्णा भैया कान्हा बाजारी जी आपके कारण आज रायपुर की इस पावन धरा पर एक स्थान पर ही लोग बैठकर एक साथ हजारों की संख्या में लाखों की संख्या में यहाँ भक्त बैठकर भगवान की कथा का रसपान कर पा रहे हैं। आप बहुत ही बड़भागी हैं और बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। एक बार जोरदार तालियां कान्हा भैया के लिए जिन्होंने इतना सुंदर ये कार्यक्रम आयोजित किया। राधे श्याम। कार्यकर्ताओं से निवेदन है जो भैया लोग खड़े हैं अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, कोई भी खड़ा ना रहे। मंच के सामने जो भैया लोग खड़े हैं आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, खड़े ना हो भैया। आप सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि मंच के समीप जो भी है वो यहाँ ना रहें, वहां पे आप लोगों के लिए विशेष व्यवस्था दी गई है, जगह खाली है, कृपया वहां पर बैठ जाएं। सामने के समीप ना कोई खड़ा रहे ना बैठे, सबसे निवेदन है बार बार। जो महाराज जी को प्रणाम कर चुके हैं अपने अपने स्थान पर जाकर विराजमान हो जाएं। कथा का समय हो रहा है, आप सभी से करबद्ध निवेदन है शीघ्र अति शीघ्र आप प्रणाम करते हुए अपने अपने स्थान पर जाकर बैठ जाएं। कार्यकर्ताओं से निवेदन है कोई भी मंच के सामने खड़े ना रहें, जहां जिनके बैठने की व्यवस्था निश्चित की गई है अपने अपने स्थान पर बैठें। बड़ा ही पावन अवसर है, हम हनुमान जी महाराज जी के पावन चरणों में उनकी गोद पर बैठकर हम भगवान श्री कृष्ण की कथा, भगवान नारायण की कथा का रसपान कर रहे हैं। मानव जीवन की यही सार्थकता है, धन कमाने के लिए यह जीवन नहीं मिला है, ये ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वर के भजन के लिए हमें ये मानव तन प्राप्त हुआ है। और कान्हा भैया ने इतनी सुंदर व्यवस्थाएं की हैं कि यहाँ बैठकर हमें भगवान के भजन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, भगवान के चरणों में बैठकर उन्हीं की कथा का रसपान करने का ये सुअवसर प्राप्त हो रहा है। आप सभी से निवेदन है आप सभी
अपने अपने स्थान पर जाकर विराजमान हो जाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, व्यास नारायण भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गुढ़ियारी वाले हनुमान जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे श्याम। बड़ा ही सुंदर अवसर है और राम मंदिर पर हमारे राम लला जी विराजमान होने जा रहे हैं कल, और ये स्वर्णिम अवसर हम सभी को प्राप्त हो रहा है। हमारे पूर्वजों ने कितना अथक प्रयास किया है उस मंदिर के लिए और हिंदुओं की शान के लिए, और ये उनके बलिदान का परिणाम है कि आज हम उस राम मंदिर में जब राम लला विराजमान होंगे तो हम उस विराजमान कार्यक्रम के साक्षी होंगे। बहुत ही सुंदर अवसर है। और कहते हैं वीरों की दहाड़ होगी, हिंदुओं की ललकार होगी, वीरों की दहाड़ होगी, हिंदुओं की ललकार होगी। आ रहा है वक्त फिर जब हिंदुओं की भरमार होगी। एक बार मेरे साथ सभी बोलेंगे जय सियाराम, जय सियाराम, जय जय सियाराम, जय सियाराम। ये कार्यक्रम पूज्य श्री महाराज जी भागवत कथा और आप सभी के बीच इतना समय देने का केवल एक ही कारण होता है कि पूज्य श्री महाराज जी जो सेवा श्री धाम वृंदावन में कर रहे हैं। पूज्य श्री महाराज जी अपने परिवार को जो समय देना चाहिए उस समय में भी कटौती करके आप सभी के बीच रहते हैं, कथा के माध्यम से, सेवाओं के माध्यम से। अपने निजी जीवन को भी छोड़कर पूज्य श्री महाराज जी इतना परिश्रम करते हैं कि ये सेवाएं निरंतर चलती रहें। सैकड़ों वृद्ध माताएं श्रीधाम वृंदावन में रह रही हैं, उन माताओं की सेवा निरंतर होती रहे, इसलिए अपने निजी जीवन का भी समय को त्याग कर पूज्य श्री महाराज जी इन सेवाओं में लगे रहते हैं। ऐसे सेवा भावी पूज्य श्री महाराज जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। पूज्य श्री महाराज जी सेवा के लिए हमें आगे बढ़ाते रहते हैं और सेवा का मार्ग हमें बतलाते रहते हैं। और किनकी सेवा के लिए? उन माताओं की सेवा के लिए, उस अन्य क्षेत्र की सेवा के लिए। सुना है कहीं एक जन्नत है जहां दूध की नदियां बहा करती हैं। सुना है कहीं जन्नत है जहां दूध की नदियां बहा करती हैं, पेड़ों पर परियां रहा करती हैं, वहां कोई दुख नहीं है, दर्द नहीं है, खुशी पर कोई पहरा नहीं है, हंसी पर कोई शर्त नहीं है। बिन बाती उजाला है, बिन बादल बरसाते हैं, वहां रातों से मीठे दिन हैं और दिन से रोशन रातें हैं। लेकिन ये सब सुनी सुनाई बातें हैं और सुनी सुनाई बातों का क्या भरोसा। ये दुनिया है कुछ भी कहती है, आसमान में जन्नत क्या ढूंढना मेरे यार, आसमान में जन्नत क्या ढूंढना मेरे यार, बगल वाले कमरे में जाकर झांक जहां तेरी माँ रहती है। ऐसी माँ जिसके चरणों में जन्नत है, कुछ असामाजिक लोग उस माँ को त्याग देते हैं और ऐसी असहाय दीनहीन लाचार वृद्ध माताओं की सेवा पूज्य श्री महाराज जी अपने हाथों से श्री धाम वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम में कर रहे हैं। तो आपका भी दायित्व बनता है कि ऐसी सुंदर सी सेवा से आप भी जुड़ें, आप भी उन वृद्ध माताओं का सहारा बने, आप भी धर्मपुत्र या धर्मपुत्री बनकर आप भी उन वृद्ध माताओं के लिए अपना सहयोग अवश्य प्रदान करें। पूज्य श्री महाराज जी एक ही सेवा नहीं करते हैं, इन वृद्ध माताओं की सेवा के साथ साथ पूज्य श्री महाराज जी श्री धाम वृंदावन में एक विशाल अन्न क्षेत्र चलाते हैं। हमारे सनातन में एक नियम है कि अतिथि देवो भव, कोई भी हमारे घर पर आए तो उसे भोजन अवश्य कराना चाहिए। और हमारे मठ मंदिरों का भी यही दायित्व है,
कि यदि कोई भी श्रद्धालु आते हैं तो उन्हें भोजन की व्यवस्था और आवास की व्यवस्था पुरानी प्राचीन ये परंपरा रही है। तो पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा ये परंपरा का निर्वहन हो रहा है श्रीधाम वृंदावन में। विशाल अन्न क्षेत्र के माध्यम से हजारों साधु संत, हजारों जरूरतमंदों को वहां निःशुल्क ससम्मान भोजन प्रसाद पवाया जाता है। तो ऐसी सुंदर सी व्यवस्था सेवा से आप भी जुड़ सकते हैं। आप भी हजारों साधु संतों को, हजारों जरूरतमंदों को, एक दिन में ही हजारों लोगों को आप भोजन प्रसाद पवा सकते हैं गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र के माध्यम से। गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र के साथ साथ गौरी गोपाल रसोई सेवा भी वहां पर चलाई जाती है, जहां हजारों तीर्थयात्री, हजारों जरूरतमंद, हजारों विद्यार्थी आकर निःशुल्क ससम्मान भोजन प्रसाद प्राप्त करते हैं। तो आप भी ऐसी सुंदर सी गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र की सेवा से जुड़ सकते हैं और हजारों लोगों को एक दिन पर भी भोजन करा सकते हैं। पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र रसोई सेवा के साथ साथ सुंदर सा गौरी गोपाल संत निवास का कार्य भी वहां पर चल रहा है। आप भी संतों की सेवा से जुड़ सकते हैं। गौरी गोपाल गुरुकुल भी वहां पर चलाया जा रहा है। सुंदर से गौरी गोपाल गुरुकुल की सेवा से आप जुड़ सकते हैं। गौरी गोपाल गौशाला भी वहां चलाई जा रही है। आप किसी भी सेवा से जुड़ सकते हैं और अपने धन को धर्म से लगा सकते हैं और ये सेवाएं आपके सहयोग से ही चल रही हैं, क्योंकि संतों के पास कोई फैक्ट्री नहीं होती है। आपके ही दिए हुए सहयोग से ये सेवाएं चलती हैं। तो आप अवश्य इन सेवाओं से जुड़ें। कुछ महानुभावों ने अपना सहयोग श्रीधाम वृंदावन में पहुंचाया है, उन महानुभावों के नाम श्रवण करेंगे। श्री संतोष अग्रवाल जी, पावन अग्रवाल जी, आप 82,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। श्री महेश कुमार जी छत्तीसगढ़ से आप 25,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। गोपाल दत्त जोशी जी हल्द्वानी से 21,000 रुपए। नारायण देवी सुखराम हिमाचल प्रदेश से आप 11,200 रुपए। चंपा देवी रांची झारखंड से 11,100 रुपए। मंजुला शर्मा अलीगढ़ से आप भी 11,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तो आप भी इन दानदाताओं की तरह आप भी अपना सहयोग समर्पित कर सकते हैं इन सेवाओं में। जो संस्कार चैनल के माध्यम से भक्त जुड़ रहे हैं, आप अपना सहयोग संस्था के अकाउंट पर सहयोग समर्पित कर सकते हैं और हमारे मोबाइल नंबरों में संपर्क कर आप अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। और जो भक्त रायपुर की इस पावन धरा पर उपस्थित हैं, यदि आप भी इन सेवाओं से जुड़ना चाहते हैं तो इसी प्रांगण पर निकास द्वार में कार्यालय लगे हुए हैं गौरी गोपाल आश्रम के। तो आप भी इन सेवाओं के लिए अपना सहयोग वहां जाकर समर्पित कर सकते हैं और आप अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में चलते हैं इसी क्रम के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। जय
जय माखन जो राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम मेरा कोटि कोटि प्रणाम मेरा कोटि कोटि प्रणाम आए हो तो प्रेम से लोहरी का नाम सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय सीताराम ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाओ राधे राधे गाओ राधे राधे गाओ बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे गलियों में झूम झूम के ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाओ राधे राधे गाओ राधे राधे गाओ राधे राधे गाओ बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे ब्रज गलियों में झूम झूम के ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाओ राधे राधे गाओ राधे राधे गाओ राधे राधे गाओ कभी कन्हैया यमुना किनारे गाय चराते मिलेंगे जितनी तमन्ना दिल में भरी है एक एक उनसे कहेंगे कभी कन्हैया यमुना किनारे गाय चराते मिलेंगे जितनी तमन्ना दिल में भरी है मंदिर में प्यारे ओ मन के मन मंदिर में प्यारे बांके बिहारी बिठाओ राधे राधे गाओ राधे राधे गाओ राधे राधे गाओ बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे ब्रज गलियों में झूम झूम के ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाओ राधे राधे गाओ राधे राधे गाओ
कदम डाल पर बैठ यहाँ सब राधे राधे गाते मोर पपीहा कोयल मैना यही राग दोहराते कदम डाल पर बैठ यहाँ सब राधे राधे गाते कृपा करो श्री राधे अपना कृपा करो श्री राधे अपना दर्शन हमें कराओ राधे राधे गाओ राधे राधे गाओ राधे राधे गाओ बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे ब्रज गलियों में झूम झूम के ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाओ राधे राधे गाओ राधे राधे गाओ राधे राधे गाओ सब पर कृपा करेंगे बिहारी हो 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 खोज खोज कर हार चुके हम सुन लो श्याम हमारी राधे कृपा से हम तुम सब पर कृपा करेंगे बिहारी खोज खोज कर हार थके हम सुन लो श्याम हमारी करके मधुप श्याम को रो रो करके मधुप श्याम को मन की व्यथा सुनाओ राधे राधे गाओ राधे राधे गाओ राधे राधे गाओ बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे ब्रज गलियों में झूम झूम के ब्रज गलियों में झूम झूम कर मन की तपन बुझाओ राधे राधे गाओ 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 राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे ब्रज गलियों में झूम झूम के ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाओ राधे राधे गाओ राधे राधे गाओ राधे राधे गाओ राधे राधे गाओ बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोलिए श्री गुड़ियारी वाले हनुमान जी महाराज की जय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण संस्कार टीवी और यूट्यूब पर
कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की अमृतमयी मंगलमयी कथा में। इस कथा में परीक्षित बन के भैया हमारे श्री कान्हा भैया कृष्णा जी बड़े प्रेम से कथा का रसपान कर रहे हैं। भगवान की कृपा से श्रीमती सुनीता बाजारी जी मैया, स्वर्गीय श्री सत्यनारायण बाजारी जी की प्रेरणा से उनकी पुण्य स्मृति में ये सुंदर सा आयोजन आप सब सुन रहे हैं। और स्वर्गीय श्री सत्यनारायण बाजारी जी के लिए उनके पुत्र श्री कान्हा बाजारी जी, पुत्र वधू श्री राधिका बाजारी जी के द्वारा ये सुंदर सा आयोजन आप सुन रहे हैं। हमारी मैया श्रीमती सुनीता मैया बहुत प्रसन्न हैं कि उन्हें ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ है जो अपने पिता के लिए, अपनी माँ के लिए इतना बड़ा आयोजन कर रहा है, इतना इतिहास रच रहे हैं भैया कान्हा जी। आप सभी दूर दूर से आकर के छत्तीसगढ़ की ही नहीं अपितु संस्कार टीवी और यूट्यूब पर घर बैठे लाखों करोड़ों लोग इस कथा को सुन रहे हैं और अपने जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। भगवान की कृपा आप पर, आपके समस्त परिवार पर बनी रहे, यही मंगल कामना आप सबके लिए। साथ ही कान्हा बाजारी जी के साथ भैया श्री ओम प्रकाश बाजारी जी, सुनील बाजारी जी, समस्त बाजारी परिवार गुड़ियारी रायपुर छत्तीसगढ़ की पावन धरा से आप हैं। आप कितने लोगों को आनंद आ रहा है कथा में? जिनको आ रहा है वो हाथ उठाएं। कथा समझ में आ रही है? अच्छी लग रही है? आप सब पर बिहारी जी की कृपा बनी रहे। और आप सब आशीर्वाद दीजिए यजमान परिवार को, हमारे भैया कान्हा जी को, कृष्णा जी को, कि ये यूं ही आप सभी समाज की सेवा इसी तरह करते रहें। इन्हें ईश्वर इसी लायक बनाए कि ये समाज की इसी तरह सेवा करते रहें और धन धान्य से परिपूर्ण रहें। आप सब पर भी बिहारी जी की कृपा बनी रहे और आप सभी भी धन धान्य से परिपूर्ण रहें। हनुमान जी की कृपा, बिहारी जी की कृपा, गौरी गोपाल भगवान की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। प्रिय भक्तों, कल हम लोगों ने कथा में सुना कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? ऐसा प्रश्न राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से पूछा। सुखदेव भगवान ने कहा, राजन वरी याने सते प्रश्न कृतो लोकहितम नृप आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यः दिशु यह परः। ये जो आपने उत्तम प्रश्न किया है ये हम सबके कल्याण के लिए किया है। जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? देखो, उम्र हम सबकी बहुत अल्प है, मतलब छोटी है। हम सबके भरोसा नहीं है जीवन का कि कब जीवन समाप्त होने की स्थिति तक आ जाए। हम सबकी आयु बहुत कम है, 100 साल तो कोई कोई जीता है, 80-90 में और 70 में ही कहानी आजकल पूरी हो रही है। तो सुखदेव भगवान से पूछा गया कि क्या करें कि कम समय में भगवान को प्राप्त कर लें। कम समय में भगवान को पाना है तो भगवान को पाने का, देखो भगवान को इस संसार में आए क्यों हैं हम? इस संसार में हम क्यों आए हैं? आप सब बताओ, इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है? ईश्वर की प्राप्ति, भगवान को की प्राप्ति। अब यदि हम यहां आए और भगवान को प्राप्त ना करें तो आने का फिर अर्थ क्या हुआ? इसलिए ईश्वर की प्राप्ति, एक छोटी सी कहानी, हमारे आने का उद्देश्य क्या है, कहां हमें पहुंचना था और हम कहां पहुंच गए, इसके लिए छोटी सी एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। मैया, ओ मैया, जहां हो मेरी मां चुपचाप बैठो और सुनो, शोर ना करना, शांति से। हम इस संसार में क्यों आए हैं, आने का उद्देश्य क्या है, इस सारे प्रश्नों के उत्तर पर एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे, आपको हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा।
चलो सावधान है, सुनाए फिर ध्यान से सुनो। मैया ओ मेरी प्यारी माँ, एक बार में बैठ लो, एक बार में अच्छे से कर लो जो काम करना है, जल्दी से सुनो। एक पिता, एक छोटी सी कहानी इस तरह से है, एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए देकर बाजार भेजा। दोहरा दो, एक पिता ने अपने बेटे को, मैया भैया ओ पंचायती भैया सुनो सरकार ध्यान से, एक पिता ने, बोलो एक पिता ने, अभी पूछूंगा पूरी कहानी सुनाने के बाद उसका अर्थ पूछूंगा, ध्यान से सुनिए और बताइए। एक पिता ने, फास्ट बोलो, एक पिता ने अपने पुत्र को 100 रुपए देकर बाजार भेजा और कहा जाओ मौसमी फल लेकर के आओ। मतलब मौसमी, मतलब मौसम के जो फल होते हैं, आम का मौसम तो आम के फल, केले का मौसम तो केले, जो मौसम चल रहा उसके फल, वो मौसमी फल होते हैं। एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए दिया और बाजार भेजा, कहा जाओ बाजार से मौसमी फल लेकर आओ। बेटा गया, वहां उसने देखा कि एक मंदारी बंदर को नचा रहा था। वहां उसने क्या देखा कि एक मंदारी बंदर को नचा रहा था, बंदर नाच रहा था। अब ये जो बाजार गया था 100 रुपए लेकर बेटा, ये भी देखने लगा वाह कितना सुंदर बंदर है, कितना बढ़िया नाच रहा है, वाह। तभी नाच पूरा हुआ और बंदर ने कटोरा उठा के कहा भैया दो, मतलब बंदर के मालिक मंदारी ने बंदर को कटोरा दिया और बंदर ने सबके पास घुमाया, तो ये इतना इंप्रेस हो गया उसके खेल से, इतना प्रसन्न हो गया कि जो 100 रुपए थे पिता ने दिए थे, पिता ने 100 रुपए किसके लिए दिए थे, मौसमी फल, इसने उस बंदर को दे दिया। बंदर और मदारी दोनों चले गए। अच्छा, बंदर मदारी के जाने के बाद इसे याद आया कि मैं यहां आया क्यों, याद आया अच्छा पिता ने बाजार भेजा था 100 रुपए देकर फल लाने, पर पैसे तो मैंने मदारी को दे दिए, अब फल कैसे लाऊं। बाजार जब तक गया दुकानें बंद हो चुकी थी, वापिस घर गया, पिता ने कहा चल ले आया फल, पिताजी नहीं मिले, क्यों दुकानें बंद हो गई थी, अरे तू तो समय से गया था, बोले वो सारे पैसे बंदर लेके चला गया। अब ये छोटी सी कहानी पूरी हो गई, अब इसका अर्थ समझोगे, कहानी समझ में आई हाँ या ना, किस किस को आई, अब इसका अर्थ समझाऊंगा। एक पिता ने 100 रुपए देकर बेटे को कहां भेजा, बाजार। बाजार क्या है, ये सांसारिक बाजार है। एक पिता ने कितने रुपए दिए, 100 रुपए, पिता कौन, परमात्मा। एक पिता ने, मतलब परमात्मा ने हमें और तुम्हें 100 रुपए देकर बाजार भेजा, 100 रुपए मतलब 100 साल की उम्र देकर भगवान ने संसार में भेजा, जाओ अच्छे अच्छे कर्मों के फल लेकर के आओ। एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए देकर बाजार भेजा, इसका क्या मतलब हुआ कि एक परमात्मा ने हमें 100 साल की उम्र देकर संसार के बाजार में भेजा कि जाओ अच्छे अच्छे कर्म करके आओ। बात समझ में आई, एक पिता ने 100 रुपए दिया, आपके पास उम्र कितनी है, 100 साल, यदि आप 100 साल जी गए तो आपके पास 100 रुपए, 50 साल जिए तो आपके पास 50 रुपए, 80 साल जिए तो आपके पास 80 रुपए। हम सबके पिता, हम सबका पिता कौन, जोर से त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वो परमात्मा, उस पिता ने हमें कुछ पैसे देकर संसारिक बाजार यहां भेजा, जाओ क्या करके आओ, फल, कौन से फल, फल ही तो है अच्छे कर्मों का फल या बुरे कर्मों का फल, हमें क्या मिलता है, फल ही तो मिलता है अच्छा या बुरा, हम क्या भोगते हैं,
फल ही तो भोगते हैं, अच्छा या हाँ। तो ये संसार क्या है? जोर से बाजार। लेकिन यहां पर आए ना तो एक मंदारी मिला, वो बंदर को नचा रहा था और उसमें हमारे 100 रुपए खर्च हो गए। ये मंदारी कौन है बोलो? ये मंदारी कौन है? ये मंदारी है परिवार। परिवार हमें नचाता है, पत्नी नचाए, पति नचाए, पुत्र नचाए, परिवार। हम सारी पत्नियां गुस्से में क्या बोलती हैं? मैं सुबह से शाम तक नाच रही। दिन भर आप क्या करते हैं? यहां से वहां नाचते ही तो हैं। और इसी नाच में पत्नी की जिम्मेदारी, पति की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, व्यापार की जिम्मेदारियां पूरी करने में आपके कितने रुपए खर्च हो गए? जोर से 100 रुपए। मतलब परिवार में ही आपकी सारी उम्र खर्च हो गई, जबकि उम्र मिली किसके लिए थी? मौसमी फल लाने के लिए, मतलब अच्छे कर्मों का फल लाने के लिए। आपने अच्छे कर्म नहीं कर पाए और पूरी आयु परिवार में चली गई। वापिस जब आप गए तो भगवान ने पूछा, क्या लाए हो हमारे लिए? तो आप क्या जवाब दोगे? आप जब यहां से मरकर जाओगे तो आप क्या लेकर जाओगे बताओ? भगवान पूछेंगे, हमारे लिए क्या लाए हो, कौन सा फल लाए हो, कौन सा फल? मैं मरूंगा ना, जब अनिरुद्धाचार्य मरेगा तो मैं, भगवान मेरे से पूछेंगे, क्यों तुम्हें मैंने 50, 100 जो भी उम्र देंगे भगवान, अभी कंफर्म नहीं है, जो भी उम्र भगवान ने दी, भगवान मेरे से पूछेंगे, क्यों अनिरुद्धाचार्य तुम क्या लेकर आए हो हमारे लिए? तो मैं कहूंगा, प्रभु आपकी उम्र से मैंने आपके भक्तों की सेवा की, वृद्ध माओं की, भक्तों को भोजन की, सेवा का फल लाया हूं। तो मैं तो बोलूंगा कि मैं सेवा का फल लाया हूं, ये चख लीजिए आप। हाँ या ना? मैंने तो अपना ईमानदारी से, मैंने तो मुंह दिखाने का काम कर लिया। मैं मरूंगा तो मुंह दिखा सकूंगा भगवान को, मुझे गर्व है जीने में भी और मरने में भी। मैं मरूंगा भी तो शान से, जी भी रहा हूं शान से, क्योंकि मैं मुंह दिखाने के लायक हूं। हिसाब मांगेंगे ना भगवान, मैं दे पाऊंगा। प्रश्न आपसे, आप दे पाओगे? आप दे पाओगे? आप क्या जवाब दोगे? क्या कहोगे कि मैं छल करता रहा, मैं कपट करता रहा, मैं 2-2 रुपए के लिए झूठ बोलता रहा? क्या उत्तर दोगे भगवान को? क्या कहोगे कि मैंने झूठ बोल के पैसा कमाया, मैं सारी जिंदगी पत्नी पुत्र परिवार में ही उलझा रहा? क्या उत्तर दोगे? कभी भगवान के लिए समय ना निकाला, सारी जिंदगी कहते रहे समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं। उनके लिए समय नहीं है जिन्होंने आपको रोज 24 घंटे का समय दिया है? क्या उत्तर दोगे? इसलिए कुछ आप लोग मरने के पहले कुछ ऐसा कर लेना जिसमें आप अपने आप को तसल्ली दिला सकें कि हां कुछ हो गया। जवाब तो देना ही है ना, आपको क्या लगता है जवाब नहीं देना पड़ता? भगवान लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, वहां सबका हिसाब है, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, और समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। इसलिए अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर्म न करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। तो हम तो उत्तर दे पाएंगे, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो यहां
गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं की सेवा करते हैं तो हमें लगता है ये हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। पैसा कमाना बुरा नहीं है साहब, कमाओ, हम भी पैसा कमाते हैं। आपको भागवत सुनाते हैं, आप लोग हमें पैसा देते हैं, लेकिन हम उस पैसे से करते क्या है? अपने लिए बंगला नहीं बनाते। उस पैसे से 273 वृद्ध माएं हैं गौरी गोपाल आश्रम में। पैसा कमाना बुरा थोड़ी है, खूब पैसा कमाओ, हम कहते हैं ज्यादा कमाओ, और मेहनत करो, और पैसा कमाओ, पर उस पैसे को सही जगह पर खर्च करो। समाज के काम आना चाहिए, देश के काम आना चाहिए, किसी के काम आप आए, आपका पैसा आए, तब वो पैसा सार्थक है। क्या बुराई है? आजकल तो नचनिया भी नाचने का पैसा लेती है, तो नचनिया नाचने का पैसा लेती है, तो जब वो नचनिया नाचने का पैसा लेती है और पैसे का वो जो करती है, राम जाने, आप भी तो काम करते हो, पैसा लेते हो, मजदूर मजदूरी करता है, पैसा लेता है, पैसा लेना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, ज्यादा कमाना चाहिए, ईमानदारी से कमाना चाहिए और उस पैसे का उपयोग करना चाहिए। आप में से कितने लोगों ने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी है? उस कथा में एक छोटी सी कथा है, एक लकड़हारा जंगल से लकड़ी लेकर आ रहा था कि रास्ते में उसने देखा एक पंडित जी के घर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। ध्यान से सुनना, आपने लाख बार सुनी होगी ये बात। लकड़हारा आ रहा था पंडित जी के घर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी, तो उसने लकड़ियों का गट्ठा रखा और वहां सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रसाद लेकर पंडित जी आए और उस लकड़हारा को दिया। लकड़हारा ने पंजीरी खाते हुए बोला, ये क्या है? बोले, सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रसाद है। तो उस लकड़हारे ने पूछा, क्या मैं भी ये कथा करा सकता हूँ? पंडित जी ने कहा, श्योर, आप करा सकते हैं, आप भी कथा करा सकते हैं। तो लकड़हारा ने लकड़ी का गट्ठा सिर पे रखा और बाजार गया और मन में सोचा कि आज लकड़ियां बेचने से जो पैसा मिलेगा, इसको सेंटेंस को दोहराइए, आज लकड़ियां बेचने से जो पैसा मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनूंगा। और आज उसे लकड़ियों के दूने दाम प्राप्त हुए, ये लिखा है, आज उसे लकड़ियों के, जोर से, आज उसे लकड़ियों के, क्या मतलब हुआ? रोज तो दूने दाम नहीं मिलते थे क्योंकि रोज अपने लिए बेचता था, आज बेचा भगवान के लिए। जो व्यापार भगवान से जुड़ जाता है कि कमाई जो होगी प्रभु उसका हिस्सा मैं समाज की सेवा में खर्च करूंगा, तो भगवान आपके व्यापार को डबल कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जो अपने लिए कमाया जाएगा वो सिंगल रहेगा, लेकिन जो इस भाव से कमाया जाएगा कि मेरी कमाई का आधा हिस्सा भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा में खर्च होगा, तो भगवान अपने आप आपकी इनकम डबल कर देते हैं। ये सत्यनारायण भगवान की कथा आपने सुनी होगी। कमाओ, कमाना बुरा थोड़ी है, अकर्मण्य होके बैठना थोड़ी है, कमाओ किसके लिए? खूब पैसा कमाओ। और छत्तीसगढ़ में जो लोग गरीब हैं, जो गरीब परिवार की बेटियां हैं उनका विवाह कराओ, जो बच्चे गरीब हैं पढ़ नहीं पाते पर पढ़ने का जज्बा रखते हैं उनको अपने पैसों से पढ़वाओ, जो लोग असमर्थ हैं इलाज कराने में उनका इलाज करा दो, क्या ये सेवा नहीं है? भूखा है रोटी दे दो, कपड़ा नहीं है कपड़ा दे दो, चप्पल नहीं है चप्पल दे दो, स्वेटर नहीं है स्वेटर दे दो, क्या ये सेवा नहीं है? और ये कैसे होगी? जब आप पैसे वाले होंगे, भगवान करें आप खूब पैसे वाले हों, पर पैसा पाने के बाद ना मुझे डर इस बात का लगता है, पैसा पाकर लोग घमंडी हो जाते हैं। बस भगवान घमंड से बचाएं तो आपका धन लोक भी बनाएगा और परलोक भी बना देगा, लेकिन जिस पैसे में घमंड जुड़ गया वो लोक भी बिगाड़ता है और परलोक भी बिगाड़ देता है। फिर से सुनना, धन में
धन से यदि धर्म जुड़ गया, जोर से धन से, फास्ट बोलो, धन से, धन से जितना बोल रहे हैं उतना बोलो, धन से यदि धर्म जुड़ गया तो वह धन लोक परलोक दोनों बनाएगा। मतलब धन को धर्म से जोड़ दिया तो लोक भी बनेगा और आपका, और यदि धन को घमंड से जोड़ दिया तो लोक भी बिगड़ेगा और परलोक भी बिगड़ेगा। तो धन धर्म से जुड़े ना कि घमंड से, ना कि ईगो से। इसलिए धन बहुत अच्छी चीज है। क्यों जी, धन होना चाहिए या नहीं? हाँ या ना? पर किसके लिए होना चाहिए? शराब पीने के लिए, मांस खाने के लिए? नहीं, समाज की सेवा करने के लिए होना चाहिए। इसलिए ये दास अनिरुद्ध क्या करता है, आपकी कितनी माँ है, आपकी कितनी माँ है मेरे प्यारे दोस्त? एक माँ। पर आपके सामने ये बैठा है आपका भाई, हमारी 273 माताएं हैं, वो माए जिनके बेटा बहू घर से निकाल देते हैं, कोई सेवा नहीं करता, उन माओ की सेवा यह दास करता है। उनके चरण दबाता हूं, उनकी सेवा करता हूं, अच्छा लगता है, तसल्ली मिलती है कि चलो ये शरीर एक दिन चिता पर जल ही जाना है, मरने के बाद तो हम किसी के काम आएंगे ही नहीं, जीते जी काम आ गए, ये बहुत बड़ी बात है। ईश्वर ने इस लायक समझा कि उसने जीते जी इस शरीर से ये काम लिया। आज एकादशी है, आप भी वृद्ध माओं के लिए कमाई का कुछ हिस्सा निकालकर गौरी गोपाल आश्रम की माताओं तक जरूर पहुंचाइएगा। जो आपके आसपास जरूरतमंद दीन दुखी लोग हैं, सेवा जरूर कीजिएगा और पैसा और कमाइए। 10 लाख कमाते हो 20 लाख कमाओ, 10 हजार कमाते हो 20 हजार कमाओ, लाख कमाते हो 2 लाख कमाओ। कमाई बढ़ाओ, इनकम बढ़ाओ, पैसा कमाओ, सेवा में लगाओ। धन वही सफल जो धर्म से जुड़ जाए। तो एक पिता ने 100 रुपए देकर बाजार भेजा, जाओ फल लेकर आओ। तो कौन सा फल? अच्छे अच्छे कर्मों का। याद रखिएगा, हम वही पाएंगे, हम वही काटेंगे जो बोएंगे। चलो एक ये कहानी किस किस को समझ में आ गई? तो आपका जन्म क्यों हुआ है संसार में? अच्छे कर्म करने के लिए, सत्य बोलने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए, भगवान से प्रेम करने के लिए। आपका जन्म क्यों हुआ है? समाज की सेवा के लिए। हाँ या ना? माँ बाप की सेवा के लिए। हाँ या ना? राष्ट्र की, जोर से राष्ट्र की, देश की, माँ बाप की सेवा के लिए आपका क्या हुआ है? जन्म। समझ में आई बात? अब दूसरी बात सुनते हैं, एक छोटी सी कहानी और, उत्तर दीजिएगा, आपको मजा आएगा, अच्छा लगेगा, आप आनंद लीजिए। मैया बैठो मेरी माँ, ओ हरी मैया, वो हरी मैया, ओ हरी हरी मैया। अरे कहाँ भाग रही हो मेरी माँ, बैठ जाओ मेरी माँ। अच्छा तुम कार्य करता हो, आप भी सुन लो, कार्य करते जाओ और सुनते जाओ। ये भैया काहे खड़े बीच में? ओ भैया बैठ जाओ, सारे लोग बैठो, आनंद लो। एक राजा था, फास्ट, एक कौन था, जोर से, एक राजा था, उसके 4 मंत्री थे। राजा ने 3 मंत्रियों को बुलाया और तीनों मंत्रियों को आदेश दिया, जाओ बगीचे से ताजे ताजे फल लेकर आओ, और समय दिया 4 घंटा। आपके पास 4 घंटे का समय है, जाओ बगीचे से ताजे 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 फल लेकर आओ। तीनों मंत्री दौड़े, एक बड़ा सा
झोला राजा ने दिया और बगीचा भेजा। तीनों मंत्री बगीचे गए, पर एक मंत्री ईमानदार था, वो पेड़ पर चढ़कर ताजे ताजे फल तोड़ने लगा और बैग में स्टोर करने लगा। दूसरा मंत्री जो था बड़ा आलसी था, वो सोचा चार घंटे हैं, एक दो घंटे आराम कर लूं। बगीचे में गया, ठंडी ठंडी हवा लगी, लेट गया, और जब लेटा तो सो गया, और सो गया तो पता ही नहीं चला कि चार घंटे। और जो तीसरा था वो बहुत बड़ा बत्तड़ी था, बत्तड़ी मतलब बातें करने वाला। वो वहां के जो बगीचे का माली था उस माली से बातें करने लगा कि साल में कितने का यहां पर फल होता है, कितने पेड़ सूखते हैं, कितने पेड़ लगते हैं, पूरा बातचीत करने लगा। और बातों में कब समय बीत गया पता ही नहीं चला। तभी जो पेड़ पर चढ़कर ईमानदारी से फल तोड़ रहा था उसका झोला भर गया। तो जब वो झोला पैक करके निकला तो उसने देखा कि उसका दूसरा मित्र सो रहा था। उसने अरे चार घंटे में जरा सा समय बाकी है, उठो। अब उस वो जल्दी जल्दी जागा, और जब जागा तो अब पेड़ पर चढ़कर ताजे तो तोड़ नहीं सकता था, तो जो बिखरे थे जमीन पर उन्हीं को उसने समेटा। कुछ सड़े थे, कुछ ताजे गिर गए थे, चार दिन पुराने, छह दिन पुराने, सब भरा झोले में। और दोनों जब बाहर निकले तो तीसरा पंचायत कर रहा था, उस पंचायती से बोला चल चलना नहीं। अब उसे याद आया राजा ने भेजा, चार घंटे कब बीत गए। वो तुरंत गया, उसे तो सड़े भी नहीं मिले, कुछ मिले बहुत पुराने, समेटा तो नीचे पत्थर ईंट घास। तीनों ने झोला तैयार कर लिया। बताओ जो मंत्री पेड़ पर चढ़ के फल तोड़ा उसके झोले में क्या भरा है, जोर से, ताजे फल। जो पेड़ पर चढ़कर तोड़ा उसके झोले में क्या भरा, जोर से, ताजे फल। और जो सोया उसके झोले में क्या भरा, बासे फल। बासे मतलब चार दिन पहले हवा में जो गिर गए, ताजा तो मिलेगा नहीं, ताजा तो तोड़ के ही मिलेगा, बाकी उसे क्या मिला, बासा। बासा मतलब पुराना। और कुछ सड़े थे उसने समेटा तो सड़े भी भर रखे थे। तो जो सोया उसे बासे और सड़े मिले, और जो पंचायत में लगा रहा उसे क्या मिला, उसे सड़े भी नहीं मिले, क्योंकि उसने पूरा समय प्रपंच में निकाला और उसे कुछ फल मिल गए तो उसने नीचे भरा, ऊपर घास फूस भर के झोला पैक कर लिया। अब तीनों के झोले तैयार हैं, तीनों राजा के सामने पहुंचे। राजा ने कहा अच्छा तीनों को समय कितना मिला था, जोर से, तीनों को समय बराबर था और तीनों को बगीचा भी एक ही था। और राजा ने कहा झोला तैयार है, तीनों ने कहा हां महाराज तैयार है, फल तैयार है। अच्छा जो दो मंत्री थे ना, एक सोने वाला और एक पंचायती मंत्री, उसको लगा कि राजा ने तो टाइम पास करने के लिए भेजा, उसे क्या करना फल वल का। राजा ने कहा इन तीनों मंत्रियों को जेल में डाल दिया जाए और तीनों को खाने में वही दिया जाए जो उन्होंने झोलों में भर रखा है। तीनों को अलग अलग जेल में डाल दिया गया। अब बताओ तीनों जेल में हैं, परंतु जिसने ताजे फल तोड़े उसे कोई दिक्कत नहीं, वो सवेरे रोज दो खाए, शाम को रोक दो दो खाए, मस्त रहे। अच्छा जो सोने वाला था उसके फल कुछ ताजे थे, कुछ बासे थे, कुछ सड़े थे, तो सड़ों के चक्कर में और भी सड़ गए, और बासे थे ही वो और जल्दी सड़ गए। उसने एक दो दिन तो निकाल लिया जैसे तैसे, बाद में सड़े फल खाने से बीमार पड़ गया। और समस्या तो तीसरे की थी, तीसरे के पास ये खाने को क्या है, कुछ भी नहीं, वो बेचारा भूखों मरने लगा। अब आप उत्तर दो कि ये जो तीसरा भूखा मर रहा है और दूसरा बीमार पड़ गया, इन दोनों की बीमारी और दोनों के दुख का कारण कौन है। फास्ट
आपको उत्तर देना है, कौन है? जोर से भैया कौन है? ये बीमार पड़ गया, उसकी बीमारी का जिम्मेदार कौन है? वो स्वयं। ये भूखा मर रहा है, तीसरा, इसके भूखे मरने का जिम्मेदार कौन? वो स्वयं। और पहला वाला तक चकाचक खा रहा है, मस्त है, जेल में भी उस वो खुश है, उसकी खुशी का जिम्मेदार? जोर से, स्वयं। ये कहानी समझ में आई? अब इसे और तरीके से समझाऊं, सुनो। एक राजा ने 4 घंटे का समय दिया और कहां भेजा? बगीचे में। वो राजा कौन है? भगवान। भगवान ने हमें झोला देकर भेजा है, जाओ अच्छे अच्छे कर्मों के फल लेकर आओ। लेकिन हम आए यहां अच्छे कर्म करने। कुछ लोग ईमानदारी से अपने अच्छे कर्म करते हैं, मस्त ईमानदारी से। एक मंत्री जो चढ़कर पेड़ पर ताजे फल तोड़ रहा, वो सुखी है। जो अच्छे कर्म करता वो सुखी है। और जो लोग अच्छे कर्म ना करके आलस्य करते हैं, सो जाते हैं, जो सोवत है वो खोवत है। खोया तो उसको उसके भाग्य में दुख मिला। और तीसरा प्रपंची, आप लोग सारा टाइम पंचायत करके बिताते हो, वो सबसे ज्यादा नुकसान में है। कुल मिलाकर ये कर्म भूमि है, यहां जो कर्म करोगे वही फल आपके संग चलेगा। कोई ना को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपने कर्मों का ही फल भोगेगा, अच्छा या बुरा, हाँ या ना। इसलिए अब आप जिम्मेदार हैं। यदि आप सुखी हैं तो वो भी आपके कर्मों का फल है, और आप दुखी हैं तो वो भी आपके कर्मों का फल है। आपको सुखी कोई नहीं कर सकता और आपको दुखी कोई नहीं कर सकता, आपके कर्म ही आपको सुख और दुख के रूप में प्राप्त होते हैं। जैसी करनी, पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए। इसलिए अच्छे कर्म करना रे बाबा, बाद में मत रोना भगवान ने हमें इतना दुख दिया। भगवान किसी को दुख नहीं देते, आप स्वयं गलत कर्म करते हैं, उसी का परिणाम दुख के रूप में मिलता है। तो आज से कितने लोग अच्छे कर्म करेंगे? सत्य बोलो, दया करो, छल कपट निंदा चुगली त्याग दो, हर गलत काम त्याग दो। क्योंकि जो करोगे वही भरोगे, जो बोगे वही। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें सत्संग मिल रहा है, अच्छे कर्म करने का अवसर मिल रहा है। राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से पूछा, समय कम है। समय हम सबके पास कम है, पता नहीं कौन सी घड़ी अंतिम घड़ी हो, इसलिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी मानकर मस्ती से जिया करो, खुश रहा करो। सुखदेव भगवान ने कहा, ज्यादा हाय हाय नहीं करना। हाँ सत्याम क्षितौ किम कसिपो प्रयासैर बाहौ स्वसिद्ध्येऽपवर्हणैः किम सत्यंजलौ किं पुरुधान्यपात्र्य दिग्वल्कलादौ सति किं दुकूलैः। ज्यादा हाय हाय नहीं करना। अच्छा बताओ, इस संसार में यदि खुश रहना है तो सुखी व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि वो खुश रहे? खुशी का मूल मंत्र क्या है? खुश रहने का मूल मंत्र क्या है बताओ? मैया, ओ पंचायती मैया, बताओ मेरी मां, खुश रहने का मूल मंत्र क्या है? आप बताओ भैया, खुश रहने का मूल मंत्र क्या करें कि खुश रहें? क्या करने से आप सदा खुश रह सकते हैं? ये चश्मा वाले भैया बताएंगे दोनों। फास्ट, क्या करें कि हम सदा खुश रहें? खुश
खुश कौन रहता है? बोलो मैया, ओ नीली पीली मैया, हो गई पंचायत मेरी माँ, अब बताओ खुशी रहने का, खुश रहने का मूल मंत्र क्या है? दोनों मैया बताओ। मैया चलो यहां वाली मैया बताओ, खुश रहने का मूल मंत्र क्या है मेरी माँ? अच्छा ये बताओ, आप सदा खुश रहना चाहते हैं? कितने लोग सदा खुश रहना चाहते हैं? सब? आप नहीं चाहते? चाहते हो? तो सदा खुश रहने वाला कौन होता है? जिसके अंदर क्या हो? हाँ, जिसके अंदर संतोष है वो सदा खुश रहेगा, और जिसके अंदर संतोष नहीं वो सदा दुखी रहेगा। जितना है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। प्राप्त को पर्याप्त मानने वाला खुश रहेगा। खुश रहना है तो क्या करना पड़ेगा? जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान, गौ धन गज धन बाज धन और रतन धन खान। सारा धन एक तरफ और संतोष एक तरफ। संत लोग सुखी हैं क्योंकि उन्हें जितना है संतुष्ट हैं। आप अपनी पत्नी से संतुष्ट रहें, अपनी कमाई से संतुष्ट रहें, आप अपने जीवन से संतुष्ट रहें तो फिर आप खुश हैं। जो दुखी है कहीं ना कहीं ये असंतुष्ट हैं, इसलिए दुखी हैं। संतोष होता तो सुख जरूर होता। हाँ या ना? तो हंसने मुस्कुराने का मूल मंत्र है संतोष। तो आप कितने लोग संतुष्ट हैं? जो है ईश्वर का दिया बहुत। हम तो इस लायक नहीं थे जितना हमारे प्रभु ने हमें दे रखा है। हाँ या ना? इसलिए सबसे ज्यादा संतुष्ट हम रहें अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपनी बेटी से, अपने बेटे से, अपनी कमा। हम 1,000 रुपए कमाते हैं या 5,000 कमाते या 1,00,000 रुपए कमाते, हम जितना भी कमाते हैं हम उसमें संतुष्ट रहें। सुखदेव भगवान कहते हैं संतोष। जिसे लक्ष्मी चाहिए वो माया देवी की उपासना करे, जिसे अग्नि तेज चाहिए वो अग्नि की उपासना करे, पर अंत में अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तर्वः किं न जीवन्ति, वस्त्रः किं न स्वसन्त्युता, न खादन्ति न मेहन्ति, किं ग्राम पशवो परे। उम्र तो पशु पक्षियों की भी होती है, पर उनकी उम्र सार्थक है जिनकी आयु भगवान के चरणों में लग जाए। ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए भगवान नारायण की नाभि कमल से, और ब्रह्मा जी ने सृष्टि का क्रम प्रारंभ किया। देखिए सृष्टि किस तरह से होती है, ईश्वर किस तरह से सृजन करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, किस प्रकार परमात्मा सृष्टि को रचते हैं। सबसे पहले भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न होता है, उस कमल में ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं? मैया, ब्रह्मा जी के मुंह कितने हैं मेरी मां? चार। चारों ओर मुंह है ब्रह्मा जी के, चारों दिशाओं में। तीन दिखते इसलिए हैं क्योंकि एक पीछे वाला दिखते ही नहीं है, तो आपको लगता है तीन है। चार मुख हैं ब्रह्मा जी के, प्रत्येक मुख से एक एक वेद प्रकट हुआ तो चार वेद प्रकट हो गए, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ब्रह्मा जी सृष्टि प्रारंभ करते हैं,
विदुर जी महाराज का मैत्रेय जी के पास जाना, भगवान का विदुरानी के घर जाकर छिलकों का भोग लगाना। भगवान बड़े दयालु हैं। फिर सृष्टि का क्रम ब्रह्मा जी के शरीर से मानस पुत्र उत्पन्न हुए, शिव जी प्रकट हुए भ्रकुटी से, सनकादि प्रकट हुए, पर सृष्टि कोई कर ना पाया। तब ब्रह्मा जी बड़े असंतुष्ट हुए और ब्रह्मा जी पर भगवान की कृपा हुई, चार श्लोकों की भागवत सुनी और ब्रह्मा जी के शरीर से दाहिने भाग से मनु और बाम भाग से शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। सृष्टि करें कैसे, पृथ्वी हिरण्याक्ष ने पाताल में छिपा दी समुद्र में, तब पृथ्वी को प्रकट करने वाराह भगवान प्रकट हुए। बोलिए वाराह भगवान की। और वाराह भगवान ने हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी की स्थापना की और मनु शत्रुपा के द्वारा, ब्रह्मा जी के पुत्र मनु शत्रुपा के द्वारा तीन बेटियां और दो बेटों का जन्म हुआ। आकुति देवहूति प्रसूति नाम की तीन बेटियां हुई। अच्छा ये बताओ, जब संसार बना तो सबसे पहले पुरुष आया या स्त्री आई? भैया आप बताओ, जब ये संसार बना तो सबसे पहले कौन आया, पुरुष या स्त्री? कौन कौन? आदमी। कौन आया? मैथुनी सृष्टि में पहले कौन आया? मैथुनी सृष्टि में पहले प्रथम कौन आया, स्त्री का जन्म हुआ पहले या पुरुष का? उत्तर दो भैया, बताएंगे पहले कौन आया? आपसे पूछ रहे हैं। अरे पीछे क्यों देख रहे हैं आप? हाँ हाँ हाँ, बैठे 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 बैठे, पहले मनुष्य। अरे मनुष्य तो आए पहले, स्त्री आई कि पुरुष? ब्रह्मा जी आए। आप बताओ, स्त्री? आप बताओ भैया, आप पहले कौन आया, स्त्री या पुरुष? इस धरती पे पहले आपकी मां आई कि आपके पिताजी आए? कौन? मां। ठीक है, और बताओ मैया, सारी बताओ इस तरफ की मैया, पहले कौन आया, स्त्री या पुरुष? स्त्री। आप बताओ कौन? हाँ, इस संसार में सबसे पहले स्त्री का जन्म हुआ, इसलिए स्त्री का नाम आगे है, सीता पहले राम बाद में सीता राम, गौरी पहले शंकर बाद में गौरी शंकर, राधा पहले कृष्ण बाद में राधे कृष्ण, लक्ष्मी पहले नारायण बाद में लक्ष्मी नारायण, लेडी फर्स्ट। क्यों? पहले लेडी, पहले स्त्री आई, इसलिए सारे अच्छे अच्छे पदों पर स्त्रियां बैठ गईं, पुरुषों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। सरस्वती विद्या चाहिए तो सरस्वती स्त्री, लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी माता स्त्री, अन्न चाहिए तो अन्नपूर्णा स्त्री। पुरुष के पास डमरू बजाने के सिवा बचे ही क्या? सारे अच्छे पदों पर स्त्रियां बैठी, अन्नपूर्णा कौन? स्त्री। लक्ष्मी कौन? माया कौन? विद्या की देवी कौन? रिद्धि कौन? सिद्धि कौन? शक्ति कौन? सब स्त्री, क्योंकि स्त्री प्रथम। अच्छा लोग कहते हैं ना, लड़की लड़का एक समान, आपके घर बेटा बेटी हो गई ना तो आप क्या बोलते हो, महाराज जी हमारी बेटी बेटा ही है, ये बेटी नहीं ये बेटा है। सुनो, लड़की और लड़का इन दोनों में कोई अंतर होता है क्या? हाँ या ना? होता है, और बहुत बड़ा अंतर होता है। आप लोग ना सत्य को स्वीकार नहीं करते,
लड़की और लड़का में बहुत बड़ा अंतर है। जो आप कहते हो ना हमारी बेटी बेटों से कम नहीं, आप गलत कहते हैं साहब। सच्चाई ये है कि बेटी की बराबरी धरती में बेटा कभी कर ही नहीं सकता। बेटी बड़ी है, बेटा छोटा है, समझो ना। बेटे के कंधे पर एक कुल की जिम्मेदारी है और बेटी के कंधे पर दो कुल की जिम्मेदारी, तो जिम्मेदारी ज्यादा किस पर है? तो जिम्मेदारी ज्यादा किस पर होती है, बड़े पर छोटे पर? बड़ा, इसलिए स्त्री बड़ी है, पुरुष से बड़ी है ना। इस धरती पर पहले स्त्री आई, इसलिए स्त्री बड़ी है। इसलिए बेटा और बेटी एक समान नहीं है, बेटी बेटे से बड़ी है। अब बड़ी को आप एक समान लाओ तो कैसे लाओगे? बेटा भाग्य से होता है और बेटी सौभाग्य से होती है। भाग्य मीन्स वन भाग्य, सौभाग्य मीन्स सौ मतलब हंड्रेड भाग्य। सौभाग्य से बेटी होती है। हर बेटी के भाग्य में बाप होता है पर हर बाप के भाग्य में बेटी नहीं होती। इसलिए बेटी का भाग्य बेटे के भाग्य से श्रेष्ठ है, बड़ी है। इसलिए हमारे भारत में बेटी को कन्या भोज में बुलाकर बेटी को मां मानकर उसकी पूजा अर्चना की जाती है। बेटी बड़ी है बेटों से, इसलिए बेटों से ज्यादा बेटियों का ख्याल रखा करो। और बेटियों को कुछ कुछ बेटियों को लगता है हमारी माँ तो हमसे प्यार ही नहीं करती, हमारे पिता तो हमसे प्यार ही नहीं करते, हमारा भैया बाहर घूमता रहता है और हमारी माँ बस हमें घर के भीतर रखती है, अंदर रहो रात हो गई चलो अंदर रहो। हमारा भैया कोचिंग करके आता है एक घंटे घूमता है, हम जरा 10 मिनट लेट हो जाए तो मम्मी माँ हमारी छाती पे चढ़ जाती है, कहाँ थी तू आधे घंटे, कहाँ थी तू, समय का हिसाब दे, कहाँ लेट हो गई तू। तो हमारी माँ ना हमसे प्यार नहीं करती, हमारा बाप हमसे प्यार नहीं करता, बड़ा पक्षपात करते हैं लड़का और लड़कियों में, ऐसा आरोप लड़कियां लगाती हैं अपने माँ बाप पर। कुछ लड़कियां माँ बाप पर ऐसा आरोप लगाती हैं। तो आपके इस आरोप पर मैं एक छोटा सा आपको निवेदन कर दूं, मेरी प्यारी प्यारी बहनों और मेरी प्यारी प्यारी बेटियों, एक छोटा सा निवेदन ये है कि देखो जो बेटा होता है ना वो सरिया होता है। सरिया, अब रायपुर में सरिया खरीदने जाओ ना तो सरिया की दुकान में सरिया बाहर पड़ा होता है। सरिया मतलब लोहा, लोहे की सरिया जिससे घर बनता है, तो सरिया बाहर पड़ा होता है, हाँ या ना। लेकिन हीरे की दुकान में जाओ तो हीरा बाहर नहीं पड़ा होता, हीरा अंदर होता है, अंदर भी एक लाल सी डिब्बी में और तिजोरी के अंदर भी। तो हीरा तिजोरी के अंदर होता है, सरिया बाहर होता है। हीरा ज्यादा कीमती होता है कि सरिया? हीरा। तो जो बेटियां हैं उन्हें घर के अंदर इसलिए रखा जाता है क्योंकि हीरे को घर के अंदर ही रखा जाता है। बेटा बाहर है तो सरिया बाहर ही रखा जाएगा, तो बाहर बेटा तो सरिया की तरह है। इसमें जंग लगी हुई तो इसका मूल्य कम होगा तो कितना कम होगा, रुपए दो रुपए कम बिकेगा। लेकिन हीरा में यदि कुछ दिक्कत हो गई, जरा टूट गया, तो फिर हीरा तो पूरी कीमत खत्म हो जाएगी उसकी। 1 करोड़ का हीरा है और गिरने से चटक गया तो टुकड़े दो हो गए, तो 1 करोड़ अब तो कोई लाख रुपए में भी ना लेगा उससे। इसलिए बेटियां हीरे की तरह है, इसलिए उन्हें सहेज के संभाल के रखा जाता है। बेटियों के कंधे पर दो वंश की, दो कुलों की जिम्मेदारी है, इसलिए बेटियां बड़ी हैं बेटों से, हाँ या ना। इसलिए हर लड़के को, हर पुरुष को बेटियों का, स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जो लड़के, जो समाज स्त्रियों का सम्मान नहीं करती वो लोग बहुत निर्दयी होते हैं और बहुत पीछे चले जाते हैं।
नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी ने पैदा किए राम कृष्ण हनुमान। स्त्रियों का सम्मान और गलतियां कहां हुई? आज समाज में बलात्कार क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि आपने स्त्रियों का सम्मान करना सिखाया ही नहीं अपने बच्चों को। पुरुष नहीं जानता कि स्त्री क्या होती है। कहते हैं जिसके पांव में विमाई फटी ही नहीं वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं वो बेटी की विदाई क्या जाने। कुछ चीजें पढ़कर नहीं सीखी जा सकती साहब। बेटी को किताबों में कितना भी पढ़ लो ना पढ़ पाओगे। जब तक बेटी आपके घर पैदा नहीं होगी तब तक आप बेटी को नहीं पढ़ सकते। स्त्री का सम्मान आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप अपनी मां का सम्मान ना करें। जो अपनी मां का सम्मान करेगा वही नारी जात का सम्मान करेगा। जो मां का सम्मान ना कर सका वो पत्नी का भी ना करेगा, बेटी का भी ना करेगा और समाज की किसी बहन और बेटी का भी ना करेगा। इसलिए अपने बेटों को पहले ऐसा बनाओ कि वो स्त्रियों का सम्मान करे। क्यों? एक लड़के को चोट लग गई, खून आ गया, उस लड़के ने चीखना शुरू किया। उसके मित्रों ने कुछ कपड़े अपड़े उसके हाथ में बांधना स्टार्ट किया, पर उसने उस दर्द को सहा। वहां एक सामने बूढ़ी अम्मा बैठी, उस मां ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ा और उस बच्चे के कलाई पर चोट पर साड़ी बांध दी। कुछ दवाई थी, मां ने मलहम भी लगा दिया। तभी उस लड़के ने कहा, अम्मा तुम परेशान ना हो, हम मर्द हैं और हम मर्दों को कोई दर्द नहीं होता, हम मर्द हैं। तब उस मां ने पट्टी बांधते हुए कहा उस नौजवान लड़के से, ऐ मर्द, तुम मर्दों को दर्द नहीं होता पर तुम मर्दों को पैदा करने में हम माताओं को बहुत दर्द होता है। ये जो तुम्हारी मर्दानगी है ये मर्दानगी भी तुम्हारी मां से ही तुम्हें प्राप्त हुई है। किससे मिली है? कहां से आए हो? मां से ही तो आए हो। तुम्हारा बाप ने तुम्हें खून में ना रखा, तुम्हारी मां ने तुम्हें खून में रखा है, अपने लहू से सींचा है तुम्हारे बदन को। इसलिए जिस मां के पेट में 9 महीने गुजारे हो, जिस मां के लहू से तुम्हारी सिंचाई हुई है, उस मां का, उस नारी जात का सम्मान करना सिखाओ अपनी औलादों को, अपने बच्चों को। इस धरती में प्रथम स्त्री का जन्म हुआ, इसलिए हर पुरुष को अपनी पत्नी, अपनी मां, अपनी बेटी, अपनी बहन का, प्रत्येक नारी जाति का सम्मान करना चाहिए। और सम्मान वही कर सकता है जो बड़ा होता है। समझो आप, सम्मान देने से सम्मान बढ़ता है। यदि मैं आपका सम्मान करूंगा तो आप मेरा सम्मान करेंगे। मैं आपका सम्मान नहीं करूंगा तो आप मेरा सम्मान क्यों करेंगे? अरे सम्माननीय व्यक्ति ही समाज का सम्मान करता है। जिसका सम्मान है वो तो सम्मान करेगा, जिसका सम्मान है ही नहीं वो क्या करेगा? इसलिए समझाओ नारी क्या होती है। सबसे पहले मनु और शत्रुपा में, इन दोनों की संतान में आकूति, जो धरती की पहली बेटी, उनका नाम आकूति, फिर दूसरी देवहूति, फिर तीसरी प्रसूति। आकूति के गर्भ से साक्षात यज्ञ भगवान प्रकट हुए, देवहूति के गर्भ से साक्षात कपिल भगवान प्रकट हुए और प्रसूति के गर्भ से साक्षात भगवान शिव की पत्नी माता सती प्रकट हुई।
ये तीनों श्रेष्ठ माँ हैं। आकुति के यहां रुचि प्रजापति से विवाह हुआ और यज्ञ भगवान प्रकट हुए। देवहूति मां के यहां साक्षात कपिल भगवान प्रकट हुए। कपिल भगवान जिन्होंने अपनी मां को सांख्योपदेश देकर के उनके अज्ञान का हरण किया, ऐसे कपिल देव जी महाराज। कर्दम जी महाराज की 9 बेटियां हुई। कामक विमान की रचना की कपिल कर्दम भगवान कर्दम जी ने। विमान सबसे पहला विमान भारत में हमारे महर्षि कर्दम जी ने बनाया, फिर पुष्पक विमान, फिर दलपदे जी ने बनाया, उसके बाद राइट ब्रदर्स ने 1903 में विमान बनाया। इसके पहले विमानों की हिस्ट्री हमारे वेद पुराणों में भरी पड़ी है। हमारे वैदिक काल में साइंस बहुत एक्टिव था, वैदिक काल को ही साइंस युग कहते हैं, ये समझो आप। वेद ही विज्ञान है, वेदों से विज्ञान प्रकट हुआ है, कोई अलग से विज्ञान की उपलब्धि नहीं है, उत्पत्ति नहीं है। हमारे यहां विमानों का जिक्र था, रावण ने सीता मां का हरण किया, वो विमान पर ही हरण किया, मतलब विमान का अस्तित्व उस समय था, अस्तित्व में थे विमान। हमारे वैदिक काल में विमानों का उल्लेख है, मतलब अस्तित्व में थे, इसलिए तो उल्लेख है। ये साइंस पर पहले काम हो चुका है, जिस पर आज चल रहा है काम। कर्दम जी महाराज भगवान के प्रेम में डूबे, उन्होंने गृहस्थी बसाई। कर्दम जी की गृहस्थी में पत्नी की एंट्री हुई, माता देवहूति आई, विवाह हुआ और प्रेम से कर्दम जी अपनी गृहस्थी में रहने लगे। अच्छा, 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इन 4 आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ आश्रम कौन सा है? फास्ट मैया, 4 आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ आश्रम कौन सा है? जोर से गृहस्थ बताओ, श्रेष्ठ क्यों है? गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि गृहस्थ आश्रम के यहां सन्यासी भिक्षा लेने आता है, गृहस्थ आश्रम के यहां ब्रह्मचारी भिक्षा लेने आता है। गृहस्थ आश्रम से ही, गृहस्थ आश्रमों में ही ध्रुव प्रहलाद का जन्म होता है और गृहस्थ आश्रम में ही राम और कृष्ण का जन्म होता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम वो है जिसने भक्त और भगवान दोनों को जन्म दिया, दोनों को प्रकट किया। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, ये गृहस्थ आश्रम है साहब, सबसे श्रेष्ठ आश्रम। गृहस्थ आश्रम कैसा हो? सत्य के राह पर चलने वाला। हम भूखे मर जाएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ क्यों बोलना है? मरेंगे और क्या होगा? झूठ नहीं बोलेंगे, छल, कपट, निंदा, चुगली ना। पहले के जमाने में गृहस्थ लोगों के घर साधु भिक्षा मांगने आता था। आजकल गृहस्थों के घर भिक्षा मांगने नहीं आता कोई। आता है क्यों जी? आप लोगों के घर कोई भिक्षा मांगने आता है अब? हाँ, यदि कोई आता है तो आप भाग्यशाली हैं, वरना आजकल भगवान राम पढ़ने गए थे तो सांदीपनी जी के यहां भिक्षा मांगने नगर में जाया करते थे। भगवान कृष्ण पढ़ने गए सांदीपनी जी के यहां तो भिक्षा मांगने जाते, भगवान राम पढ़ने गए वशिष्ठ जी के यहां तो राम जी भिक्षा मांगने जाते। भिक्षा मांगना ये परंपरा थी हमारे यहां। ब्रह्मचारी और सन्यासी, ब्राह्मण पहले भिक्षा मांगता था, हाँ या ना? लेकिन आप लोगों ने, पंडित जी भिक्षा मांगने आए तो आप लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया, अरे कमा के खा नहीं सकते क्या? कमा के खा नहीं सकते क्या? अरे भैया,
ब्राह्मण भिक्षा मांगने वाला ब्राह्मण ही श्रेष्ठ ब्राह्मण होता है। बहुत अच्छा ब्राह्मण है कैसे पता लगेगा? बोले जो बहुत अच्छा ब्राह्मण होगा वो भिक्षा टन जरूर करेगा। अरे ब्राह्मण भिक्षा मांगेगा और भिक्षा मांग कर पेट भरेगा, बाकी समय शास्त्रों का अध्ययन करेगा, भगवान का चिंतन करेगा। यदि ब्राह्मण बिजनेस करने लग गया, व्यापार करने लग गया, तो फिर वेद पुराण कौन पढ़ेगा? इसलिए सुदामा जी भिक्षा मांगते थे, लेकिन समाज ने ब्राह्मणों को भिक्षा देनी बंद कर दी, तो ब्राह्मणों की मजबूरी होगी, करें तो करें क्या, भाई परिवार तो पालना है, तो वे व्यापार करने लग गए, समय के साथ बदल गए। आज आप ये मान लो कि कोई आपसे भिक्षा मांगे तो अपनी खुश नसीबी समझना, भिक्षा लेने वाला हमसे भिक्षा नहीं लेता, बल्कि भिक्षा के रूप में हमसे धन लेकर, अन्न लेकर हमारा अन्न धन शुद्ध कर देता है। वो ये दास अनिरुद्ध, हम बचपन में अपने गांव में भिक्षा मांगा करते थे और आज भी हम भिक्षा मांगते हैं, क्योंकि आज भी भिक्षा मांगने से ही हमारी गौरी गोपाल आश्रम में 273 माओं की सेवा और लगभग 30,000 लोगों के भोजन की नित्य सेवा होती है। वहां पर 30,000 से 40,000 लोग लगभग रोज प्रसाद पाते हैं गौरी गोपाल आश्रम में। आप कभी भी आकर अपनी आंखों से देख कर कन्फर्म कर सकते हैं, हजारों लोग रोज प्रसाद पाते हैं। और हम आपसे क्या मांगते हैं? जोर से भिक्षा, भिक्षाम देही, हमें भिक्षा दीजिए। भिक्षा देना किसका धर्म है? गृहस्थों का। आप लोगों ने भिक्षाएं देनी छोड़ दी, शराब पीना स्टार्ट कर दिया, मांस खाना स्टार्ट कर दिया। भिक्षा दोगे? चाणक्य कितने बड़े ज्ञानी थे, सम्राट बना दिया चंद्रगुप्त को, पर वो सम्राट बनाने वाले चाणक्य भिक्षा मांगते। ब्राह्मण का धन भिक्षा मांगकर भगवान को भोग लगाकर भगवत चिंतन में रहना, उसे ज्यादा दुनियादारी से मतलब नहीं रखना चाहिए। इसलिए ये दास आपके नगर भिक्षा मांगने आया, हमारी माओ के लिए, अन्य क्षेत्र के लिए अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दीजिए। आज एकादशी का पर्व है, आज अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दीजिए। लेकिन देखो ना, आप तो देते हैं पर कुछ लोग नहीं देते। हमने करोड़ों थोड़ी मांगे हैं साहब, हम कोई लाखों थोड़ी मांगते हैं, हम तो हजारों भी नहीं मांगते। हम तो कहते हैं हमारी वृद्ध माँ 4 रोटी खाती है ना, तो 4 रोटी में 1 रोटी आपकी तरफ से होनी चाहिए, 1 रोटी ओनली, 1 रोटी सहयोगी बनकर इन माओं का आप जिम्मेदारी लेकर कार्य पूरा कीजिए। करदम जी ने अपनी गृहस्थी में रहकर 9 बेटियां प्रकट की, 9 बेटियां हुई जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों से विवाही गई। कला का विवाह मरीचि से। हम भारतीय लोग इन ब्रह्मा जी, ये करदम जी की 9 बेटियों से ही फिर ये सृष्टि का क्रम चला आगे। कला का विवाह मरीचि से, अनुसुईया माँ का विवाह अत्रि, अनुसुईया माँ भी इन्हीं की बेटी हैं, माता देवहूति और करदम जी। श्रद्धा का अंगिरा से, हवरभू का पुलस्त से, गति का पुलह से। हमारा, अच्छा ये बताओ, डार्विन की थ्योरी के अनुसार हमें पढ़ाया गया कि हम बंदर की संतान है, आपके पूर्वज कौन थे, बंदर या ऋषि? उत्तर दो मेरी मां, आप किनकी संतान हो, बंदरों की या ऋषियों की? बेटा आप किसकी संतान हो? तो आपने पढ़ा तो होगा डार्विन की थ्योरी, बंदर की संतान। लोग नहीं पढ़ते विज्ञान में, हम बंदरों की संतान थे, बंदरों ने फिर धीरे धीरे हम मनुष्य हो गए बंदरों से।
यदि बंदर मनुष्य हो जाते तो छत्तीसगढ़ में फिर बंदर ही ना होते। पर छत्तीसगढ़ में बंदर है या नहीं है? इसका मतलब डार्विन की जो थ्योरी हम पढ़ते हैं गलत है। पर आपको क्वेश्चन आ जाए तो लिखना तो पड़ेगा वरना नंबर कट जाएगा। लेकिन आप लिखो पर ये जाने रहो कि ये थ्योरी गलत है। हम भारतीयों की विडंबना देखिए। डार्विन का जन्म हुआ 12 फरवरी 1809। डार्विन का जन्म हुआ 12 फरवरी 1809 और तुलसीदास जी का जन्म हुआ 1554 और 1528 में तुलसीदास जी के जन्म के पहले राम मंदिर तोड़ा गया था। राम मंदिर पहली बार कब तोड़ा गया? 1528 और 1554 में तुलसीदास जी का जन्म हुआ। और डार्विन का जन्म हुआ 15 के बाद 16, 17, 18 लगभग 300 वर्ष बाद डार्विन का जन्म हुआ। लगभग तुलसीदास जी के 250-300 वर्ष बाद। लेकिन डार्विन की थ्योरी तो आप मानते हैं। तुलसीदास जी जो रामचरितमानस लिखे जिसमें ये लिखा कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, राम जी की सहायता बंदरों ने भी की, मतलब बंदर भी उस समय पढ़े लिखे थे। ज्ञानी नामाग्रगण्यम हनुमान जी बानर हैं और पढ़े लिखे बानर हैं। बानरों की प्रजातियां थी उस समय जो मनुष्यों जैसा कार्य करती थी, पर बानर बानर थे। और सिर्फ बानर नहीं, जामवंत जी भालू थे, ऋक्षराज। हाँ या ना? हनुमान जी के पिता केसरी, केसरी एक बानर थे, केसरी सुवन, केसरी नंदन। तो हनुमान जी बानर थे। उस समय के बंदरों ने राम का सहयोग किया, मतलब राम मनुष्य थे और बंदर ने सहयोग किया, मतलब बंदरों की प्रजाति मानवों की सहयोगी थी। बंदर थे अलग और राम जी थे अलग। मनुष्य थे राम, बंदर थे बंदर। अब डार्विन ने मिक्स कर दिया, बोले बंदर मनुष्य बन गए। तो बंदर मनुष्य बन गए तो 8 लाख वर्ष पहले जो राम थे तो उस समय तो राम जी राम थे। और हमारे पास हिस्ट्री, जिस दिन पृथ्वी का निर्माण हुआ, जिस दिन पृथ्वी बनी, उस दिन से आज तक का इतिहास हम वेद पुराणों में यहां मौजूद है। हम कैसे मान लें डार्विन की थ्योरी? हमारे भारत में गोत्र होता है। आपका गोत्र जरूर होगा। आपका गोत्र क्या है? ये भैया चश्मा वाले, क्या गोत्र है आपका? नहीं पता? कैसे हो तुम? तुम डार्विन ही वाले हो फिर, बंदर की औलाद। सुनो, हम सबका गोत्र होता है। अपने माँ से पूछना, अपने पिता से पूछना, और ये पूछ के याद रखना, आपका पासवर्ड है गोत्र। तुम्हारे यहां पंडित जी कोई पूजा कराते हैं तो पहले गोत्र होता है, नाम गोत्र। उस गोत्र के बिना आप कोई पिंडदान नहीं कर सकते, कोई श्राद्ध की क्रिया नहीं कर सकते। इसलिए आप सभी लोग अपने बाप दादों से अपना गोत्र पूछ के याद करके रखिएगा। हमारा गोत्र है शांडिल्य गोत्र। आपका किसी का भरद्वाज होगा, किसी का वशिष्ठ होगा, किसी का गौतम होगा, किसी का गर्ग होगा, किसी का वशिष्ठ होगा। आपका जो गोत्र है, आप उन ऋषि की संतान है, ना कि बंदर की। अपने बारे में जानो। समस्या ये है कि आप अपने बारे में नहीं जानते। जब अपने बारे में जानते नहीं हो तो औरों को जनाओगे क्या? इसलिए तो छत्तीसगढ़ में गांव के गांव हिंदुओं के क्रिश्चियनों ने बरगला बरगला करके हिंदुओं के गांव को क्रिश्चियन धर्म में परिवर्तन कर दिया।
धर्म परिवर्तन हो गया। क्यों? क्योंकि आप लोगों को अपने धर्म के लिए बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। छत्तीसगढ़ वासियों, आपका छत्तीसगढ़ पूरा गांव का गांव परिवर्तन हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है, और आप तमाशा देख रहे हो चुपचाप बैठे। धर्म के लिए जीना सीखो। हम किसी मुसलमान से ये नहीं कहते कि तुम हमारा धर्म स्वीकार कर लो, हम किसी क्रिश्चियन से ये नहीं कहते तुम हमारा धर्म स्वीकार कर लो, लेकिन हम सनातनियों का ये धर्म है कि जो हमारा सनातनी है वो अपने धर्म में ही रहे, वो हमारे जीते जी अपना धर्म छोड़ के अन्य किसी धर्मों में ना जाए। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। स्वयं के धर्म में रहकर मर जाना श्रेष्ठ है, पर अपने धर्म का त्याग करना श्रेष्ठ नहीं है। आज बताओ छत्तीसगढ़ में गांव के गांव परिवर्तित तो हो गए या नहीं, ये बात सही है या गलत है? उत्तर दो। तो आप लोग क्या कर रहे थे? खूब लड़ी मर्दानी वो तो, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो। एक बात बताओ कि बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी। मर्दों की तरह जब झांसी की रानी लड़ रही थी तो झांसी के मर्दों से सवाल तो बनता है कि जब तुम्हारे घर की बहन बेटियां मर्दों की तरह लड़ रही थी तब तुम मर्द कहां थे? तुम मर्दों के रहते लड़कियों को क्यों लड़ना पड़ा? क्या यह सवाल नहीं पूछा जाएगा? छत्तीसगढ़ में गांव के गांव जब हिंदुओं के परिवर्तन हो जाएंगे या हो रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के सनातनियों से यह सवाल पूछा जाएगा कि जब तुम्हारे राज्य में धर्म परिवर्तन हो रहा था तब तुम कहां थे? छत्तीसगढ़वासी तुम कहां थे? तुमने क्यों नहीं रक्षा की उन गांव के लोगों की? क्यों नहीं उनमें धर्म का संचार कराया? क्यों नहीं धर्म की ज्वाला जलाई? क्यों नहीं धर्म का प्रचार किया? अरे धर्म का प्रचार करना 23 घंटे परिवार को समय दो, व्यापार को समय दो, पर एक घंटा अपनी संस्कृति अपने धर्म के लिए समय निकालो। नहीं निकालोगे तो अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा आपका। गांव के गांव परिवर्तन हो गए, कहां थे आप लोग? 5 रुपए की गीता खरीद कर क्यों नहीं जाकर के गरीबों को बांटते, समझाते, देते? देखो भैया तुम सनातनी हो। अब देखो मैंने इस लड़के से पूछा कि तुम्हारा गोत्र क्या है, इस बच्चे को पता नहीं है। कुछ दिन के बाद इसे ये पता नहीं होगा कि राम कौन, कुछ दिन के बाद इसे ये पता नहीं होगा कृष्ण कौन, फिर तब तक कोई आएगा और आकर के इसे यीशु के बारे में समझा देगा तो ये यीशु का अनुयायी हो जाएगा। हो गया परिवर्तन, और क्या चाहिए? इसलिए अपने धर्म के प्रति जागरूकता आवश्यक है। हम अपने धर्म को जगाएं, हम अपनी संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति सबसे श्रेष्ठ है। आज विदेशी वृंदावन कभी आना, आज विदेशी लोग आते हैं उनसे हिंदी नहीं आती पर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसे बोलते हैं। आज विदेशी आते हैं आकर हिंदू बन जाते हैं और राम नाम की जपते माला भक्ति में रम जाते हैं। धराय जिस पर घूम रही हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए? कैसे बनेगा, कैसे बनेगा? आप लोगों के पास समय कहां है अपने धर्म का प्रचार करने का? ना तो आप तिलक लगाते, ना तो आप शिखा रखते, ना तो आप भगवान हाय हेलो अरे राम राम बोलो, जय श्री मन्नारायण बोलो, जय श्री कृष्णा बोलो, जब आपस में मिलो तो राम राम बोलो, जय श्री मन्नारायण बोलो। ना तो आप तिलक लगाते, ना तो आप शिखा रखते, ना तो आप धोती कुर्ता पहनते। भारत का पहनावा धोती कुर्ता है या पैंट शर्ट है? जोर से
संडे के संडे तो कम से कम धोती कुर्ता पहनो, वो परंपराएं बचाओ। मर रही है धोती कुर्ता, ये पैंट तुम्हारा पहनावा नहीं। 7 दिन में 6 दिन ये पहनो तो 1 दिन भारतीय पहनावा तो पहनो। माथे पर तिलक लगाओ, तुलसी की माला पहनो, मुंह पर भगवान का नाम रखो और अहिंसा की बात करो, अहिंसा को मानो। सनातन संस्कृति हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, लेकिन आपके माथे पर तिलक नहीं, आपके शिखा नहीं, आपके धोती कुर्ता नहीं। हिंदू का मतलब कागजों में लिखवाना चाहते हो क्या हिंदू राष्ट्र, या चरित्र में लिखवाना चाहते हो? कागजों की डिग्रियां क्या करोगे साहब? बेटे के पास पीएचडी की डिग्री है पर मां के लिए समय नहीं, मां को गालियां देता है। ऐसे पढ़े लिखे बेटे से उस मां, वो मां क्या करेगी ऐसे पढ़े लिखे बेटे का? इसलिए हिंदू राष्ट्र के सही मायने तो ये हैं कि पहले हम हिंदू बने। मुसलमान टोपी लगा के निकलता है, उसे कोई शर्म नहीं है टोपी लगाने में, लेकिन हिंदू तिलक लगाए तो बहुत सारे हिंदू ही ऑब्जेक्शन लेते हैं, अरे बड़े पंडित बन रहे हो, बड़े ज्ञानी बन रहे हो। अरे भाई, जब सनातन संस्कृति का पहनावा हम पहने, तिलक लगाएं, तो हिंदू को गर्व होना चाहिए या फिर पंचायत होनी चाहिए या फिर ये बातें होनी चाहिए कि तुमने तिलक क्यों लगाया, ये प्रश्न चिन्ह होना चाहिए क्या? हिंदू राष्ट्र तब बनेगा जब हम हिंदू बन जाएंगे। हिंदू कैसे बनेंगे? हिंदू कौन है? जो मार काट कर रहा है वो हिंदू नहीं है साहब। जिसके अंदर ईर्ष्या द्वेष नफरत भरा है वो हिंदू नहीं। हिंदू तो पवित्र गंगा जल की तरह है, निर्मल है। जो हिंदू है उसके अंदर ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, नफरत नहीं है, झूठ नहीं है, छल नहीं है। इन बुराइयों का त्याग कर दो और फिर माथे पर तिलक लगाकर चल पड़ो। जिस दिन आप निकल पड़ोगे इस राह पर, दुनिया को कहना नहीं पड़ेगा कि हिंदू बन जाओ, आपके बनते ही दुनिया तैयार हो जाएगी बनने के लिए। तिलक लगाना शुरू तो करो आप, धोती कुर्ता पहनना स्टार्ट तो करो। कल रामलला बैठेंगे, कल 22 जनवरी है, कल कथा में आना मेरे नौजवान दोस्तों, तो कल भारतीय पहनावे में आना। कल धोती कुर्ता और तिलक लगा कर आना। कल हमारी माताएं अपने माथे पर तिलक सजा के आना। स्त्रियां भी तिलक लगाएं, पुरुष भी तिलक लगाएं। कल हमारे आराध्य आ रहे हैं, मेरी मां। हम अपनी संस्कृति भूलते चले गए, आज की आधुनिकता में इतने खो गए, पता ही नहीं चला कि कब हम इतने आगे निकल गए कि अपनी भारतीय परंपराओं को पीछे छोड़ते चले आए। तिलक लगाओ, तुलसी की माला धारण करो, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। एक कितना बड़ा षड्यंत्र मैं आपको समझाऊं, हमारे देश में कितना बड़ा षड्यंत्र हुआ, मैं आपको उसके बारे में एक छोटी सी बात बताऊं तो ये नौजवान जो बच्चे उसका शिकार हो गए वो साथ सुन के कुछ अक्कल आएगी। सुनो, हमारे देश में एक षड्यंत्र हुआ। क्या बताओ? एक पिक्चर आई कुछ दिन पहले, मूवी, जिसमें यह कहा गया कि शंकर जी पर आप दूध क्यों चढ़ाते हैं, गरीब में बांटें, वो तो दूध बहकर नाला और नाली में चला जाता, वेस्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। यह बात आपने सुनी होगी और मैं इस बात से सहमत हूं कि जो, लेकिन पूरी बात मेरी सुन लो और उन लोगों को सुनवाओ, फिर हम आप सब सहमत हो जाएंगे एक बात से। एक पिक्चर आई जो शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाते हो, शंकर जी पर प्रश्न चिन्ह लगाती है वो पिक्चर। बहुत सारी पिक्चरें आई जो भारत के संतों पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं पिक्चरें, हां या ना?
आपने बहुत सारी पिक्चरें मूवियां ऐसी देखी होंगी जो संतों पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं, भगवान शिव पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं, भगवान कृष्ण पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं, हाँ या ना? ऐसी पिक्चरें बहुत सारी आपने आज तक देखी होंगी। एक छोटा सा इस पर प्रकाश डालते हैं, एक चर्चा करते हैं। आओ, 5 मिनट में ही सब क्लियर कर देता हूं मैं, समझो। एक पिक्चर आती है, मेरी माँ वो कहती है कि शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो, वो गरीबों में बांटो। हाँ, गरीबों में बांटना चाहिए, ये दास अनिरुद्ध तो गरीबों में ही बांटता है, जो आता है अन्य क्षेत्र चलता है, सबको देता है। लेकिन एक बात बताओ, पिक्चर की टिकट कितने की आती है? आप तो देखते होंगे, मैं तो देखता नहीं। एक मूवी की टिकट कितने की आती है? 200 रुपए की, 400 रुपए की, हाँ या ना? तो जो मूवियां 200 रुपए टिकट देकर आपको देखने की परमिशन देती हैं, तो वो 200 रुपए उन मूवियों में क्यों खर्च करना, क्यों ना गरीबों की सेवा की जाए? पहला। एक दूसरा तथ्य, शंकर जी पर दूध मत चढ़ाओ। चलो, मैं आपकी बात से सहमत हूं, नहीं चढ़ाऊंगा। अभी मैं केवल बात कह रहा हूं, आगे समझाऊंगा कि दूध क्यों, इस दूध चढ़ाने का साइंस क्या है। मैं अभी विज्ञान समझाऊंगा आपको, पर अभी मैं पूरी बात कह लूं। वो कहते हैं दूध मत चढ़ाओ, चलो भैया नहीं चढ़ाते। तो ये बताओ, शंकर जी पर दूध चढ़ाना ज्यादा हानिकारक है या शराब पीना ज्यादा हानिकारक है? उत्तर दो। अब बताओ, शंकर जी पर दूध मत चढ़ाओ इसकी तो पिक्चर है, क्या शराब नहीं पीना चाहिए इसकी कोई पिक्चर है? तो नाम बताओ, मैं देख लूं आज उसको। शराब मत पियो इस जागरूक अभियान को लेकर कोई पिक्चर बनी? किसी सुपर डुपर स्टार ने कोई पिक्चर लॉन्च की कि शराब मत पियो, तुम्हारी बहन, तुम्हारा, तुम्हारी बहन भाई खो बैठेगी, तुम्हारी पत्नी पति खो बैठेगी, तुम्हारी माँ बेटा खो बैठेगी, तुम्हारे बच्चे पिता खो बैठेंगे। शराब पीने से कितनी माताओं के बेटे मर गए, कितनी बहनों का सुहाग उजड़ गया और कितने बच्चे अनाथ हो गए शराब के कारण। यह बात सही है या गलत है, हाँ या ना? अब बताओ, शराब के खिलाफ कोई पिक्चर होनी चाहिए कि नहीं? बनी क्या? जोर से, क्यों नहीं बनी? क्योंकि जितने सुपर डुपर स्टार हैं ये सब शराब के समर्थक हैं। बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार पिक्चर बनाते हैं और शराब को प्रमोट करते हैं, हाँ या ना? ऐसी कोई पिक्चर नहीं होगी शायद जिसमें शराब पीने का सीन ना हो। तो शराब पीने के सीन से वो क्या बताना चाहते हैं? आज के नौजवानों को वो रास्ता भटका ही तो रहे हैं कि तुम शराब पियो। गाने बने कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। तो छत्तीसगढ़ का सोचेगा कि यार गम जाता होगा थोड़ी, हम भी मार लें। एक पैक के चक्कर में उसकी जिंदगी तबाह हो गई, शराबी बन गया। बताओ, ये सुपर डुपर स्टार लोग शराब का प्रचार करते हैं या नहीं? ये बात सही है या झूठी है? जोर से और जोर से, सही है? ये लोग जो शराब का खुलेआम प्रचार करते हैं, इन्हें शंकर जी पर चढ़ाए गए दूध से बड़ी दिक्कत है। पता नहीं जैसे इनके बाप से पैसे लाकर चढ़ाते हो आप लोग। अरे, शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाया जाता, आओ इसका विज्ञान में आपको समझाऊं। इन मूर्खों को कौन समझाए? विज्ञान, इसका साइंस क्या है? हमारे यहां सबसे ज्यादा शंकर जी पर दूध किस महीने में चढ़ाया जाता है? फास्ट। कब? सावन। सावन में क्यों? क्योंकि पहला पानी गिरता है आषाढ़ में, और जब पानी गिरता है तो आपने ये बात तो सुनी होगी कि पहला पानी जब गिरता है तो आपकी दादी, आपकी नानी, आपकी माँ बोलती है, बेटा पहले पानी में नहाना मत, क्योंकि पानी प्रदूषित होता है।
तो पहला पानी आषाढ़ में गिरा वो प्रदूषित पानी था, उस जहरीले पानी से पहली घास हुई, तो घास आषाढ़ में पानी गिरा तो घास सावन को ही होगी। तो सावन आते आते वो पानी घास को उत्पन्न करता है, वो जहरीले पानी से पहले पानी की पहली घास जब उत्पन्न हुई और पहली बार गैया ने खाया और पहला दूध दिया, तो हमारे बुजुर्गों ने सोचा कि यह दूध बच्चों को पीने के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि यह जहरीले पानी की घास से बना दूध है, इसलिए उस दूध को फेंकने का विधान। तो फेंके कहां? तो बुजुर्गों ने सोचा फेंकने से पाप लगेगा, गोरस है, चलो शंकर जी पर चढ़ाते हैं तो दूध चढ़ाने का पुण्य भी मिल जाएगा, दूध भी ठिकाने लग जाएगा। और आज के 100-200 साल पहले जितने भी शिवालय थे, सारे शिवजी के मंदिर नदियों के किनारे, तालाब के किनारे, झरनों के किनारे थे। आपके यहां भी यदि कोई पुराना शिव मंदिर होगा तो उसके आसपास जरूर कोई जलाशय होगा, हाँ या ना? तो सारा पानी जाता था जलाशय में, और जलाशय मतलब तालाब या नदी, उसमें मछलियां होती थी, दूध का आनंद मछलियां लिया करती थी। उस समय नाले वाले थे ही कहां, उस समय तो आदमी तालाबों में नहाता था, नदियों में नहाता था। तो ये जो गंदगी नाले और नालियों की समस्या, ये तो अभी 100 साल से पैदा हुई, 50 साल से, पहले तो नाले वाले थे ही नहीं। क्यों जी? तुमने नदियों को नाला बना दिया, तालाबों को नाला बना दिया, और अब कहते हो कि शंकर जी का दूध जाता है गटर में। अरे जो पुरानी परंपराएं थी वो सही थी, तुम्हारे आज के समय पर वो चीजें, कुछ कुछ नालियों में दूध जाने लगा वो गलत हो गया, पर आस्था है किसी की कि वो 5 रुपए का दूध चढ़ाए, और कौन सा 200 रुपए का कोई दूध चढ़ाता है, सब 2-5 रुपए का दूध चढ़ाते, 10-20 रुपए का। लेकिन शराब पीना ज्यादा हानिकारक है, उस पर बात नहीं करते। शिवजी के दूध को लेकर पिक्चर बना दी। एक बात और बताओ, आपके बेटों को गुटखा खाना जो सिखाए वो अच्छे लोग होंगे कि बुरे लोग होंगे, बोलो? लेकिन बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार आपके बच्चों को गुटखा खिलाने में लगे हैं, दाने दाने में केसर का दम। क्या चाहते हैं ये लोग कि आपके बच्चे गुटखा खाएं, और फिर भी आप इन्हें सुपर डुपर स्टार बनाए बिठाए हैं। इसलिए बचो इन लोगों से और अपनी गृहस्थी में मस्त रहो, हमारी बात मान लो, मन प्रभु के चरणों में लगाओ, बच्चों को कुसंगति से बचाओ, शराब इत्यादि जो गलत है इन व्यसनों से निकालो, और भगवान का जो दुष्प्रचार कर रहे हैं ये पिक्चर बनाने वाले, प्रार्थना करो भगवान से कि इन्हें सद्बुद्धि आए, और ऐसी कोई भी अश्लील गलत पिक्चर आप बहिष्कार करो, देखो ही मत, तो ये पिक्चरें बनेंगी ही नहीं, आप देखते हैं तो बनती हैं। हम तो कहते हैं गृहस्थ में रहो और भगवान का चिंतन करते रहो, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, 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 मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा क्या करता है, बेटा बेटा
बेटा बेटा क्या करता है, बेटा 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 क्या करता है, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, 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 मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाए, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। करता है बेटी बेटी क्या करता है, बेटी 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 क्या करता है, बेटी 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 क्या करता है, बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा, 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 खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, हाँ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, ओ पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी तो एक दिन जला के चलाएगा, पड़ोसी तो एक दिन जला के चलाएगा, अरे पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आए, पड़ोसी तो एक दिन जला के चलाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, हाँ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, हाँ मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, 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 मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा बेटा क्या करता है, कपिल भगवान करदम जी महाराज ने देखा कि मेरा टाइम, नौ बेटियों का जन्म हुआ, नौ बेटियों का विवाह कर दिया, कपिल भगवान का जन्म हुआ और करदम जी जाने लगे। गृहस्थी इतनी ही होती है, बेटी का विवाह कर दो, बेटे का विवाह कर दो और मन गृहस्थी से हटाओ, जिसका मन गृहस्थी से हट गया वो सुखी हो गया,
बेटा बेटी से मन जल्दी हटा लो, और नहीं हटा तो मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा करने वालों, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। शादी होने दो, पत्नी आने दो, माँ बाप को टाटा करके बेटा चला जाएगा। और बेटी काम आएगी क्या? तो बेटी बेटी क्या करता है, बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। बेटी ले गया जमाई, आप फिर अकेले के अकेले। ये जीवन अकेला पन है, यहां कोई नहीं है आपका, कोई सहारा नहीं। एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। एक भगवान का भरोसा होना चाहिए और किसी का नहीं। करदम जी महाराज चले गए, आप लोगों से बस यही प्रार्थना है कि गृहस्थी के कार्य पूरे करके आप भी निकल लो, घर में मरना मत साहब, बहुत कष्ट होता है। मरने के पहले भगवान में मन लग जाए, सारे बंधनों से मुक्त हो जाओ। अच्छा, ये मानव का शरीर हमें क्यों मिला है, बंधने के लिए या खुलने के लिए? मैया, इस संसार में आप बंधने आए हैं या खुलने? जोर से, बंधने आए या खुलने? भैया बताओ, खुलने आए हो? ओ भैया, चश्मा वाले भैया, खुलने आए हो या बंधने? खुलने। ये संसार हमें मिला है, देखो आज भक्तों की भीड़ जहां जहां तक नजर जा रही है, पंडाल के बाहर उतने लोग हैं, अभी एक पंडाल और पैक हो सकता है, इतनी आपकी उपस्थिति यहां पर है। बस चुपचाप सुन लो, तो आए हो तो कुछ सुन के जाओ, कुछ ग्रहण करके जाओ, बहुत अच्छा होगा। संसार में हम आए हैं खोलने के लिए, हम बंधे हुए हैं। किससे बंधे हैं? परिवार से, व्यापार से, व्यवहार से। करदम जी महाराज कह रहे हैं अब हम जा रहे हैं। गृहस्थ आश्रम 25 साल का होता है। गृहस्थ आश्रम कितने वर्ष का होता भैया? 25 साल, मतलब शादी हुई उसके 25 साल तक गृहस्थ में रहो। शादी हो जाए बेटे की, शादी हो जाए बेटी की, बेटी बेटों का विवाह करके आप मुक्त हो गए गृहस्थी से। अब पति पत्नी दोनों भोगी बनकर नहीं, परम भक्त बनकर के रहो दोनों। अब मन भोगों से हटाओ और प्रभु के श्री चरणों में मन को लगाओ। ये गृहस्थी है। गृहस्थी का मतलब बेटा बेटियों का जिम्मेदारी पूरी करो और तीर्थ यात्रा पर निकलो। पति पत्नी दोनों भगवान का दर्शन करने वृंदावन आओ, अयोध्या जी जाओ, रंगनाथ जी जाओ, तीर्थों का भ्रमण चिंतन। और मरने के समय बिल्कुल संसार से रिश्ता नाता तोड़कर एक परमात्मा से नाता जुड़ा रहे। हमारे यहां मरने को भी उत्सव कहते हैं, इसलिए मरने के मुर्दे के साथ बैंड बाजे चलते हैं। आपके छत्तीसगढ़ में मुर्दे के साथ बाजे बाजे चलते कि नहीं? आगे आगे, हाँ या ना? तो ये मरना भी एक उत्सव है, इसलिए बाजे बजाते हुए शमशान जाया जाता है। ये उत्सव कब बनेगा? जब आप अपने मन को प्रभु के चरणों से जोड़ देंगे। आप घर में मत मरना साहब, घर में मरोगे घर वाले मरने भी नहीं देंगे। जब आदमी मरने लगता तब सब लोग आते हैं और लोग यही कहते हैं, हमें पहचानो, हमें पहचानो। कोई ये ना कहेगा कि प्रभु को पहचानो, सब कहेंगे हमें पहचानो।
और लोग इतनी धक्का मुक्की करते हैं, मरते समय कई बार तो ऊपर गिर जाते हैं, मरने वाला उनके गिरने से ही मर जाए। आपको लगता है कि हमारे बाद क्या होगा, आप भूल जाते हैं कि आपके बाद सब बढ़िया होगा। आपके जाने का किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दो चार दिन लोग रो करके अपना चाट पकौड़ी खाएंगे, और तो छोड़ो, जिस दिन मरोगे तुम्हारी लाश सामने पड़ी रहेगी और दुनिया चाय पीती रहेगी और चाय पी पी के रोएगी तुम्हारे मरने में। विश्वास ना हो तो देख लेना, जब आदमी मर जाता है पड़ोसन बढ़िया अदरक वाली चाय लाती है, सास मरी पड़ी और बहू चाय पी रही है, पड़ोसन पूछी अदरक कम तो नहीं है, ना ना बढ़िया, पी के फिर रोने लग गया। ये दुनिया ऐसे ही है। आपको लगता है हमारे बाद क्या होगा, सब बढ़िया होगा, आप तो आराम से मरो। इसलिए मरते समय इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, ओ जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। तो मरते समय भगवान का चिंतन हो और फिर प्राण जाए, इससे बढ़िया बात कुछ नहीं है। और इसी तरह आज करदम जी महाराज चले, माता देवहूति ने पुत्र कपिल देव जी से हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मेरा मन बहुत चंचल है, मैं क्या करूं। आप में से कितने लोगों का मन चंचल है, हाथ उठा के मुझे कन्फर्म कराओ। चंचलम ही मन कृष्ण, हम सबका मन चंचल है, और हमारी परेशानी का कारण क्या है, मन। हमारे दुख का कारण क्या है, मन। हमारा मन यदि चंचल है तो परेशानी है। आज मैं आपको मन को कंट्रोल करने के उपाय बताऊंगा। हाथ उठाओ किसे सुनना है, सुनना है तो ध्यान से सावधान हो जाइए, सुनिए। मन सारे फसाद की जड़ कौन है? लोग दुखी क्यों हैं? मन के कारण। हमारा मन नहीं लगता महाराज जी, मन में संतोष नहीं है महाराज जी, दुखी है। इसलिए मन को कंट्रोल करने के लिए बड़े बड़े संतों ने प्रयास किए हैं। मन को कंट्रोल करने के लिए संतों ने क्या किए, प्रयास किए। आज छोटा सा प्रयास हम भी करते हैं। देखो लोग क्या कहते हैं, महाराज जी खाने का मन नहीं, पीने का मन नहीं, जाने का मन नहीं, आने का मन नहीं, पत्नी मन पसंद की नहीं, पति मन पसंद का नहीं, काम मन पसंद का नहीं, बच्चे मन की करते हैं, पूरी जिंदगी में झंझट मन की है। हाँ या ना? अब मन को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो आओ करते हैं। देखो आप ये बताओ, घास की झोपड़ी में रहने वाला छत्तीसगढ़ का एक आदमी जो घास की झोपड़ी में रहता है और अपनी पत्नी अपने बच्चों में खुश रहता है, यदि घास की झोपड़ी में उसका मन लग रहा है तो वो खुश है, और किसी का मन महलों में नहीं लग रहा है तो वो दुखी है। तो सुख दुख किससे है, मन से। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत, पूरी विडंबना मन की है। आओ, अच्छा एक बात बताओ, मंदारी बंदर को वश में कैसे करता है,
उत्तर दो, मंदारी बंदर को वश में कैसे करता है? प्रैक्टिस। मंदारी बंदर को क्या कराता है? अभ्यास, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कराया मंदारी ने बंदर को तो बंदर वश में हो गया कि नहीं? प्रैक्टिस कराया सर्कस में हाथी को शेर के, शेर को तो शेर और हाथी भी इंसानों के कहने से चलते हैं कि नहीं? अरे प्रैक्टिस कराने से जब शेर और हाथी और घोड़ा और बंदर को वश में किया जा सकता है तो प्रैक्टिस करोगे आप तो अपने मन को भी वश में कर सकते हो। असंभव नहीं है मेरी माँ। मन को वश में कैसे किया जाए? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कैसे वश में करें। रोज भगवान का नाम जप करो, रोज नाम जप करो। नाम क्यों जपना चाहिए? नाम जप इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम नाम जप करेंगे तो नाम से भरेंगे आप जिस से। अच्छा ये बताओ, आप प्याज खाते हो तो डकार किसकी आती है? लहसुन खाते हो तो डकार? हाँ, जो अंदर होता है वही तो बाहर निकलता है। यदि आप नाम जप करोगे कृष्ण कृष्ण श्रीमन नारायण तो नाम जब अंदर भर जाएगा तो राम राम से नाम निकलना स्टार्ट होगा। जो भरा होगा वही तो निकलेगा। फिर नेगेटिविटी नहीं होगी, नकारात्मकता नहीं होगी। अब आप पॉजिटिविटी से भरते नहीं तो नेगेटिविटी भर जाती है। अच्छा ये बताओ, आपको पसीना क्यों निकलता है? जब शरीर में गर्मी भर जाती है तो वो गर्मी पसीने के रूप में बाहर आती है, हाँ या ना? हाँ या ना? अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण कृष्ण की ध्वनि निकला करती थी क्योंकि अर्जुन के भीतर कृष्ण समाये हुए थे। इतना नाम जप करके भर लिया। जनाब आई, महाराष्ट्र में एक भक्ति हुई, भक्तिमती स्त्री हुई, नाम था जनाब आई। जनाब आई के ओपले मतलब कंडे विठल विठल की ध्वनि निकला करती थी। जनाब आई जिसे छू देती थी वो विठल विठल, उसके स्थान से विठल विठल की ध्वनि निकलने लगती थी। एक बार कबीरदास जी गए, कबीरदास जी ने पूछा भैया ये जनाब आई कौन है? तो जनाब आई अपनी पड़ोसन से झगड़ा कर रही थी। ए पड़ोसन, तू मेरे ओपले मेरे कंडे तूने रख लिए। कबीर जी बोले बहन ये जनाबाई का घर कौन है? जनाबाई बोली मैं जनाबाई। हाँ महाराज बोलो। कबीर जी बोले हे भगवान, मैंने तो सुना था जनाबाई भक्त है पर ये तो पड़ोसन से लड़ रही है। कबीर जी बोले अच्छा बताओ तुम पड़ोसन से क्यों लड़ रही हो? बोले इसने हमारे कंडे रख लिए, वो जो कंडे हैं ना वो हमारे हैं। कबीर दास जी बोले तुम्हें कैसे पता कि वो कंडे हमारे हैं? तो जनाबाई बोली कबीर आप कानों से लगाना कंडों को, जिन कंडों से मेरे विठल विठल की ध्वनि निकल जाए समझ लेना वो जनाबाई के कंडे हैं। जाकर कबीरदास जी ने कानों से लगाया, सच्ची विठल विठल की ध्वनि निकल रही थी। कबीरदास जी समझ गए कि ये स्त्री कोई सामान्य महिला नहीं है, भक्त ऐसा कि इतना जाप कर लो कि आप जिसको, अरे कोरोना आपने जिसे छू दिया उसे कोरोना हो गया। जब बीमारी एक से दूसरों में जा सकती है तो भक्ति भी तो एक बीमारी है। भक्त जिसे छू दे वो भक्त हो जाता है साहब, भक्त जिसे छू दे भक्त हो जाता है। तो बिठल बिठल की ध्वनि निकल रही है। आप लोग खाली हैं, आप लोग नाम जप करो भगवान का, चलते फिरते श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। जब नाम जप करोगे तो आप भर जाओगे नाम से। इसलिए मीरा ने गाया पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उसने कौन सा धन पाया? राम नाम का। आप भी जाप करो राम नाम भर जाए फिर जैसे। अच्छा आप किसी साधु को देखते हैं, संतों को देखते हैं तो क्या निकलता है? गुरु जी राम राम, जय श्री मन नारायण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। संतों को देखते ही आपके मुंह से भगवान का नाम क्यों? आपने किसी संत को देखा, किसी ब्राह्मण को देखा तो आपके मुंह से भगवान का नाम निकलता है क्यों? देखा उसे मुंह से निकला आपके, क्योंकि वो नाम से भरा पड़ा है। तो वो भरा है तो आप भी उसके देख करके अपने नाम मुंह से भगवान का नाम निकालते, क्योंकि उसकी जो
भक्ति है, वो भक्ति के जो बैक्टीरिया है वो उस वातावरण में घुले हैं, और जब आप उसके संपर्क में जाते हैं तो आप भी उस उतनी देर के लिए पॉजिटिविटी से भगवान नाम से भर जाते हैं। इसलिए वो भजन का प्रभाव होता है। इसलिए अपने आप को भरिए, राम नाम की लूट है, लूट सके तो अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। इसलिए प्राण छूट जाए उसके पहले राम नाम लूट लो, जितना जप लोगे वो आपका धन होगा। भर लो अपने आप को, भर लो अपने आप को कृष्ण नाम से, राम नाम से, श्रीमन नारायण से, राधा नाम से, भर लो, क्या दिक्कत है। लेकिन आप भरते ही नहीं, कौन जिम्मेदार है आप किस खालीपन का। कपिल भगवान अपनी मां को सांख्योपदेश करते हैं, मां अहम सर्वेशु भूतेशु भूतात्मा वस्थितः सदा, मां सब में मुझको ही देखो। और मन को केंद्रित करने के लिए अभ्यास, रोज भगवान का नाम जप करो, रोज भगवान की कथाएं सुनो। धीरे 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 आप देखेंगे कि आपका मन आपके कंट्रोल में होगा। मन को कैसे कंट्रोल किया जाए आपको मैं प्रैक्टिकल कराता हूं, जरा दो मिनट करना मेरे साथ। आप कहते हो ना महाराज जी मेरा तो मन ही नहीं लगता, आज मैं लगा के दिखाऊंगा। चलो सावधान हो जाओ, सब रीढ़ की हड्डी ठीक कर लो अपनी सीधी, सारे लोग सावधान, चुपचाप आंखें बंद करो सब, सारे लोग आंखें बंद कर लो, खोली ना रखना। दो मिनट के लिए आंखें बंद मतलब बंद, यहां वहां ना घुमाते रहना। अब चलो सारे लोग पहुंचो गिरिराज जी, चलो अब सब लोग अपने मन को गिरिराज जी ले जाओ। सब ऐसा भाव बनाओ कि हम गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं। सब लोग चलो और ऐसा भाव बनाओ हम गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं, और बड़े प्रेम से उस ब्रज मंडल की सुंदर सी रज में चल रहे हैं, जिस रज में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के संग चले। उस गिरिराज जी की परिक्रमा हम कर रहे हैं जिस गिरिराज जी को भगवान ने अपने हाथों पर उठाया, उंगली पर रखा, 7 दिन तक जिसे थामे रखा। भाव बनाइए कि हम बड़े प्रेम से, आप सब ऐसा भाव बनाओ कि प्रभु ने गिरिराज जी उठा रखा है और हम सब प्रभु को देखते हुए परिक्रमा लगा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर से घुंघराले बाल, उनके माथे पर लगा मोर पंख, उनके कमर में खुसी हुई बांसुरी, बांसुरी उनके गले में सुंदर सी वैजंती मोतियों की माला, कंधे पर बगल में भुजाओं में बाजू बंद। भाव बनाइए भगवान एक उंगली पर गिरिराज जी लिए खड़े हैं और आप परिक्रमा लगा रहे हैं। सारे लोग भाव बनाओ भगवान की परिक्रमा हम कर रहे हैं। अब आप भाव बनाइए, अब भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित कर दिया आपके सामने, प्रभु ने उंगली से गिरिराज जी को नीचे रखा और प्रभु सामने खड़े आप भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। सब भाव बनाओ कि हमारे सामने श्री कृष्ण हैं और हम प्रकट हुए हमारे भाव में भगवान, हम उनको प्रणाम कर रहे हैं। अब सब भाव बनाइए कि आप श्री कृष्ण को, बगल में श्री राधा रानी खड़ी हैं और आप भगवान को सुंदर से लड्डुओं का भोग लगा रहे हैं। अब आप भाव बनाओ कि आप भगवान को सुंदर सा दूध पिला रहे हैं, सुंदर कमल के पुष्पों की माला पहनाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। सब लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए, ऐसा भाव बनाइए कि श्याम सुंदर हमारे सामने हैं, श्री राधा रानी हमारे सामने हैं और हम उनकी स्तुति कर रहे हैं और प्रभु से कह रहे हैं। सब लोग कहो हे श्याम सुंदर, हम पापी हैं, हम अधम हैं, हे नाथ हम नीच हैं, हम दुष्ट हैं, हम पापी हैं। कहो हे प्रभु हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं। ऐसा कोई पाप नहीं है श्याम सुंदर जो हमने ना किया हो, पर हे प्रभु हम जैसे हैं ना हम आपके हैं, हे नाथ हमें स्वीकार कीजिए। हे पतित पावन, हे भक्त वत्सल हमें स्वीकार कीजिए, हे राधा रानी हमें स्वीकार कीजिए।
अब आप ऐसा भाव बनाओ, आप कहो कि हे प्रभु आप ही हमारी माता हो, आप ही हमारे पिता हो, आपके सिवा कौन है प्रभु हमारा। माना कि हम पापी हैं पर आपके हैं प्रभु, हमें स्वीकार कीजिए। सब लोग ऐसा प्रार्थना करो कि आप भगवान से रो कर कह रहे हैं कि प्रभु हम जैसे हैं आपके हैं, हम में कोई ऐसा गुण नहीं है कि हम अपने कोई गुण से आपको प्राप्त कर सकें, वो तो आपकी कृपा हुई तो हमने आपके चरणों में प्रणाम किया। हमारे मुख से यदि आपका नाम निकल रहा है तो ये भी आपकी ही तो कृपा है श्याम सुंदर, वरना हम में इतनी योग्यता कहाँ कि हम आपका नाम भी जप सकें। अब आप सभी लोग ऐसा भाव बनाओ कि आपके मन मंदिर में एक सुंदर सा झूला पड़ा है और उस झूले में आपने श्याम सुंदर को और श्री राधा रानी को बिठा रखा है और आप झूला झूला रहे हैं। ऐसा भाव बनाओ कि प्रिया प्रियतम श्याम सुंदर किशोरी जी झूले पर बैठे हैं और आप उन्हें झूला झूला रहे हैं, और मन के मन मंदिर में बैठे हैं प्रभु और हम उन्हें झूला झूला रहे हैं। अब एक छोटी सी कल्पना और करो, एक इमेजिन करो, एक भाव बनाओ। चलो हम सब चलते हैं बैकुंठ, जहां लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं श्रीमन नारायण का। चलो सब लोग चलो बैकुंठ भाव से। अब बैकुंठ हम पहुंच गए, ऐसा भाव बनाओ और भगवान नारायण शेष सैया पर लेटे हुए, एक पांव माता लक्ष्मी जी दबा रही हैं। सब लोग ऐसा भाव बनाओ कि आप माता लक्ष्मी भगवान का एक पांव दबा रही है ना, तो जो दूसरा पांव है वो हम दबा रहे हैं। सब लोग ऐसा भाव बनाओ कि हम प्रभु के चरण दबा रहे हैं, एक पांव लक्ष्मी जी और दूसरा चरण, दूसरा पांव हम। वाह, दबाइए। आपका शरीर देखो यही है, शरीर कहाँ है क्या फर्क पड़ता है, मन मन पहुंचे बैकुंठ और ऐसा भाव बनाओ कि हम प्रभु के चरण दबा रहे हैं। सामने हमारी माता लक्ष्मी बैठी हैं और प्रभु से सैया पर लेटे हम चरण दबा रहे हैं। फिर भाव बनाओ, हम माता लक्ष्मी और श्रीमन नारायण की परिक्रमा कर रहे हैं। फिर ऐसा भाव बनाओ, हम अयोध्या जी जा रहे हैं और प्रभु सरयू मैया में स्नान करके हमारे रामलला जो मंदिर में विराजमान होने जा रहे, हम उस गर्भगृह में बैठकर अपने प्रभु राम को अपने हाथों से जैसे माता शबरी ने बेर खवाए, आप भी भाव बनाओ कि आप भी भगवान को अपने भाव से कुछ कुछ खिला रहे। हम शरीर से नहीं पहुंच पाए अयोध्या जी तो क्या हुआ, हम पापी अभागे नहीं पहुंच पाए, पर मन से तो पहुंच सकते हैं। शरीर तो गर्भगृह में नहीं जा सकता पर मन तो जा सकता है। भाव बनाओ कि आप प्रभु राम को अपने इन्हीं हाथों से सुंदर से लड्डुओं का, मिश्री का, अन्य पदार्थों का ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं। दर्शन कीजिए प्रभु राम का, वाह, मुस्कुराते हुए रघुनंदन, सुंदर से उनके बाल, सुंदर से उनका धनुष, सुंदर से उनकी हृदय, सुंदर सी उनकी मुस्कान, श्याम सुंदर मेरे रघुनंदन की होंठों की मुस्कान, उनके गालों का सुंदर सा, उनके माथे पर सुंदर सा तिलक, उनके बालों का सुंदर स्वरूप, पूरे मुखमंडल को देखिए, एक एक अंग को देखिए, कैसी उनकी होंठें हैं, कैसी उनका उनके गाल, कैसी उनकी आंख, कैसी उनके बाल, कैसे उनके कान, कैसे उनके गले की माला, कैसी उनकी छाती, उनका वक्षस्थल हृदय, कैसे उनके चरण, एक एक अंग को प्रेम से देखिए और भाव बनाइए कि जैसे केवट ने राम के पांव धोए ना, आप भी जिद करो, आप भी जिद करो, हे रघुनंदन आज हम आपके पांव धोएंगे, भाव से जिद करो और आप भी एक पात्र उठाओ और प्रभु के पांव रखो और ऐसा भाव बनाओ कि आप चरण धुल रहे हैं भगवान के, ऐसा भाव बनाओ प्रभु के श्री चरणों को आप धुल रहे हैं, ऐसा भाव। फिर चरणामृत पी रहे हैं आप, ऐसा भाव बनाइए। फिर आप प्रभु की आरती उतार रहे हैं, ऐसा भाव बनाइए। मन मंदिर में मेरे रघुनंदन, मेरे राम, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण चलता रहे।
केवट की तरह जिद्दी बन जाओ, पांव धोऊंगा मतलब धोऊंगा, शबरी की तरह जिद्दी बन जाओ, बेर खिलाऊंगी मतलब खिलाऊंगी। प्रत्येक छवि को देखिए, ध्यान में रहिए, ध्यान में करो सेवा भगवान। अब उसी छवि को मन मंदिर में बसाओ और चलो लौट कर वापिस रायपुर आते हैं, कथा में आते हैं। सब लोग अब अपनी आंखें खोल लो और कथा में प्रवेश कर जाओ। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। चलो बताओ आप कहाँ गए, शरीर कहीं गया, पर सच्ची बताना कौन कौन बैकुंठ घूम के आया, कितने लोग अयोध्या जी घूमाए अभी अभी? सही ऐसा लगा ना हम अयोध्या जी में हैं, हम ऐसे लगा कि बैकुंठ में, ऐसा लगा ना हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं। ये होती है मानसिक पूजा, इसमें शरीर का कोई काम नहीं, इसमें काम किसका है? मन। आप कहते हो हमारा मन नहीं लगता, अरे मन इस तरह से लगाओगे तो लगेगा। अब बताओ आपका मन भटका क्या? भटकने दिया हमने? फिर मन लगाने का तरीका भी तो पता होना चाहिए ना। इस तरह से मन लगाओगे तो लगेगा, हाँ या ना? सच्ची बताओ कौन कौन सचमुच ध्यान में चला गया, किस किस को अच्छा लगा? ऐसा आप लोग भी अपने घर में 10 मिनट 20 मिनट रोज खो जाया करो भगवान के चिंतन में। ये ध्यान है, ये मेडिटेशन है, ये ध्यान है। समय कम नहीं तो हम और कराते आपको। अब आप लोग अयोध्या जी गए, एक बार फिर से मैं आपको अयोध्या ले चलूं? हाँ चलो। सुनो आप अपना मोबाइल निकाल लो फटाफट और मोबाइल पर YouTube पर अनिरुद्धाचार्य टाइप करो, चैनल इस तरह से खुल के आएगा। अभी जरा सी देर में इसी YouTube पर आप एक भजन सुन पाएंगे जो कि राम के आवाहन का भजन है। आप अपना मोबाइल निकालो, यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य टाइप करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल राम जी आ रहे हैं और कल यूट्यूब पर 1,31,00,000 लोगों का परिवार पूरा होने जा रहा है। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट, यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य टाइप कर लो, चैनल खोल के आएगा, सब्सक्राइब करिए। आइए हम राम जी के चरणों में चलते हैं, राम जी का एक भजन सुना दें आपको, बढ़िया। ये अभी अभी आया है, पहली बार ये दास आपको सुनवाएगा, यूट्यूब पर पहली बार आएगा। और एक भजन हमने लिखा है, ये भी आप जो सुन रहे हैं ये भी नया है, और एक भजन और अपने हाथों से ये दास ने लिखा है जो आपको कल सुनवाएंगे, कल राम जी आएंगे ना तब। और आज भी एक भजन आपको जो लिखा गया है आपके लिए, आइए सुनते हैं। तालियों की सेवा। राम जी आने को तैयार हैं, मिलने को हम बेकरार हैं। राम जी आने को तैयार हैं, मिलने को हम बेकरार हैं। मंदिर भी बन गया रघुराई का, हमको डर कैसा अब जुदाई का। मंदिर भी बन गया रघुराई का, हमको डर कैसा अब जुदाई का। खुशियों की आ गई बहार है, मिलने को हम बेकरार हैं। राम जी आने को तैयार हैं, मिलने को हम बेकरार हैं।
दर्शन को अखियां तरसी हैं, उनसे मिलने को बरसों बरसी हैं, जिनके दर्शन को अखियां तरसी हैं, उनसे मिलने को बरसों बरसी हैं। होने वाला दीदार है, मिलने को हम बेकरार हैं, राम जी आने को तैयार हैं, मिलने को हम बेकरार हैं। मंदिर में जब उनको बैठाएंगे, दिल के अरमां पूरे हो जाएंगे, मंदिर में जब उनको बैठाएंगे, दिल के अरमां पूरे हो जाएंगे। चरणों से उनके प्यार है, मिलने को हम बेकरार हैं, राम जी आने को तैयार हैं, मिलने को हम बेकरार हैं। जय श्री राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम, जय श्री राम। बैठ जाइए सर। राम जी आने को तैयार हैं, मिलने को हम बेकरार हैं। कल राम जी का एक और सुंदर सा प्यारा सा मेरा भाव, जो भाव मुझे अच्छा लगा वो मैंने अपनी वाणी को कलम में पिरोया और वो आपको कल सुनाऊंगा। ये तो राम जी के आगमन का है और राम जी जब आ जाएंगे तब उनसे कहना क्या है, जब आएंगे तब उनसे क्या हम कहेंगे, वो कल क्या कहेंगे वो कल सुनेंगे। और कल राम मंदिर जी, कल राम मंदिर में जो प्रतिष्ठा होगी वहां का सीधा प्रसारण आप यहां आकर के अपने ये जो टीवियां लगी हैं बड़ी बड़ी यहां पूरा सीधा प्रसारण कल देखेंगे हम सब यहां। तो आप और हम सब ये माने कि हम अयोध्या जी में ही हैं और हम सब राम जी के साक्षी हैं, राम जी के विराजमान होने के। और कल संयोग देखिए भगवान की कृपा, कल कक्षा में राम जन्म है। कल खूब बधाइयां बटेंगी और खूब बधाइयां लुटेंगी। बस अपना सोना चांदी ना पहन के आना, नहीं बधाई में चली जाए चैन वैन तो आप रोती फिरो मैया। कल बढ़िया मस्त खूब सारी टॉफियां खिलौने कल हमारे, कल कल तीन खुशी हैं, एक राम जन्म, एक कृष्ण जन्म और एक अयोध्या में रामलला की स्थापना। राम जी आ रहे हैं तो कल आनंद से हम लोग उत्सव मनाएंगे। कल मैं आपको पूरा राम जी के जन्म से लेके आज 2024 तक की पूरी हिस्ट्री बताऊंगा, किस राजा ने मंदिर तोड़ा, कितनी बार तोड़ा, कितने भारतीय हिंदू शहीद हुए, कितने लोगों ने अपने खून की कुर्बानी दी, बलिदान दिया, अपना जीवन कुर्बान किया मंदिर में,
क्या क्या इतिहास रहा, कितनी बार मंदिर तोड़ा, कितनी बार मंदिर बना, कितना विवाद था, कितनी स्त्रियों ने बलिदान दिया, कितने पुरुषों ने बलिदान दिया, कब से किसने पहली बार मंदिर बनाया, किसने आखिरी बार मंदिर तोड़ा, पूरा कल हम आपको समझाएंगे, पूरा इतिहास बताएंगे। कल की कथा आनंद से, कल राम लला का, कृष्ण जी का कल दो उत्सव मनाएंगे मस्ती से। हाँ, कपिल भगवान के दिव्य ज्ञान से माता देव होती सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई और आचमन करके गंगा सागर चले गए कपिल देव जी। चलो अब हम प्रसंग पर आते हैं। ये बताओ कि मन नहीं लगता, ये जो प्रश्न है ये खत्म हुआ या नहीं? हमने अभी मन लगा के बताया ना आपका, ऐसे मन लगाया जाएगा, ध्यान लगाया जाएगा। भगवान के लिए समय नहीं है ये मत कहा करो, निकालो, अपने धर्म के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति सजग हो जाओ। हाँ, कपिल भगवान ने जो अपनी मां को उपदेश किया ना, वो सांख्योपदेश किया। एक मेडिकल साइंस में जो बात लिखी गई है वो कपिल भगवान ने अपनी मां देवहूति को हजारों साल पहले ही बता दिया था, और वो मैं आपको पुनः याद दिला दूं। आज साइंस जो कर रही है, जहां पहुंची है, यहां हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बहुत पहले पहुंचा दिया था, हम नहीं पहुंच पाए वो अलग विषय है। जब पिता के द्वारा मां गर्भवती होती है तो पिता का तेज मां के गर्भ में जब जाता है तो एक रात्रि में वो रथ से मिलकर कलल बन जाता है, पांच रात्रि में बुध के समान हो जाता है, दस दिनों में बेर के समान कठोर, और एक महीने में बच्चे का सिर तैयार होता है। अब जरा सुनो, मां के पेट में बच्चे का सिर कितने महीने में बनता है? गर्भाधान होने से ठीक एक महीने बाद सिर बनता है। दूसरे महीने में हाथ और पांव निकलते हैं। तीसरे महीने में स्त्री पुरुष के चिन्ह उत्पन्न होते हैं कि ये लड़का है या लड़की, इसलिए लिंग परीक्षण तीसरे महीने में होता है। डॉक्टरों को जो आज पता चला वो हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने ये लिख दिया। ये जो मैं बोल रहा हूं ये सब भागवत जी में लिखा है, कपिलोपाख्यान में, कपिल देव जी सुना रहे माता देवहूति को। तीसरा माह लगते ही स्त्री पुरुष के चिन्ह, चौथा माह लगते ही उसमें सात धातुएं पैदा हो जाती हैं, पांचवे महीने लगते ही भूख प्यास लगने लगती है, छठवे महीने लगते ही उसमें पिछले जन्म का स्मरण हो जाता है, और सातवें महीने लगते ही वो मां की स्तुति, मां के पेट में भगवान की स्तुति करने लग जाता है कि प्रभु मुझे बाहर करो, बहुत पीड़ा हो रही है। आप अपनी मां के पेट में इतनी सी जगह में इतना बड़ा शरीर लेके ऐसे सिमटे बैठे थे, नौ महीने तक बाहर आने की आप प्रार्थना की, भगवान बोले मैंने कितनी बार तुझे बाहर किया, तू फिर ऐसे काम करता, फिर भीतर आ जाता है। अब आप जब मां के पेट से बाहर आए ना, तो आप भगवान को वचन देकर आए हैं कि अब आप ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिसके कारण आपको जन्म मृत्यु में उलझना पड़े। देखो हम करोड़ों बार जन्म ले चुके हैं, आपका जन्म कितनी बार हो चुका है? आप करोड़ों बार जन्म ले चुके हैं और करोड़ों बार आप मर चुके हैं। कबीरदास जी एक दोहा गाए, उसका अर्थ जरा हमें समझाओ, हमारी समझ में नहीं आया, आप जरा बताने की कृपा करो। कबीरदास जी ने दोहा गाया और रोते हुए गाया। कबीरदास जी ने कहा, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में सावत बचा न कोई। क्या मतलब हुआ भैया इसका? ये चश्मा वाले भैया बताओ। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, क्या मतलब है इसका? ये कबीर जी रो क्यों रहे हैं? दिया कबीरा रोए, ये कबीर जी रो क्यों रहे हैं? उत्तर दो। हाँ, क्योंकि चलती चक्की देख कर, तो चलती चक्की को देखकर कौन रोता है भैया? कबीर जी काहे रो रहे हैं? कबीर जी की भाषा बड़ी टेढ़ी है। कबीर जी कह रहे हैं ये जन्म और मृत्यु का पहिया है। पहिए चक्की में कितने होते हैं? जोर से, दो। एक पहिया जन्म, एक पहिया मृत्यु। तो ये जन्म और मृत्यु के पहिए में कोई साबुत नहीं बचा, सब पिस रहे हैं, सब जन्म मृत्यु, जन्म पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। हमारा जन्म हुआ, फिर मर गए, फिर जन्म हुआ, फिर। कबीर दास जी रो रहे हैं, कबीरा
चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना, सब पिस रहे हैं जन्म मृत्यु कौन बचा। तब कबीर जी का बेटा कमाल बोल पड़ा, पिताजी चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए और कीले माही जो रहे सो बाल न बाका होए। चक्की में एक कील होती है बीच में, जो दाना उस एक कील के पास गिर जाता है वो पिसने से बच जाता है, जो एक परमात्मा की शरण में रहेगा वो पिसने से बच जाएगा, जन्म और मृत्यु के पिसने से वो बच जाएगा, और जो भगवान से दूर हो गया वो पिस जाएगा। यदि बचना चाहते हो तो प्रभु की शरण में आओ, जो भगवान के आश्रित है वो कभी ना पिसेगा और जो नहीं है वो बार बार पिसेगा। तो आपका करोड़ों बार जन्म हुआ और मर जाओगे, और कितनी बार मरना है आपको? आप में से कितने लोग बार बार जन्म लेना और बार बार मरना चाहते हैं, या फिर मुक्त होना चाहते हो इस चक्र से? कौन कौन मुक्त होना चाहता है जन्म और मृत्यु के चक्र से? भगवान से हाथ जोड़ के बोलो, चलो हाथ जोड़ो, पता नहीं भगवान सुन ले अपनी, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ के बोलो, हे नाथ आप चाहें तो हमें फिर से जन्म दें, परंतु जब भी हमें संसार में भेजें तो अपनी भक्ति देकर, अपने चरणों का प्रेम देकर भेजें। हम संसार में बार बार आने को तैयार हैं, पर प्रभु के बनकर आने को तैयार हैं। हम संसार के बनकर आने को तैयार नहीं है, वरना हमें इस जन्म और मृत्यु से पार लगा दीजिए। और पार लगने के लिए क्या चाहिए? शरणागति, समर्पण, भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण, सरेंडर कर दीजिए, प्रभु मैं आपका हूं, खत्म। जब तक समर्पण नहीं होगा ना मेरी मां, ये जन्म मृत्यु छोटेगा नहीं। कपिल भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया, मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। तो आप कितने लोग अपने आप को भगवान के आश्रित करेंगे? हमने एक दिन बताया था ना, छोटे छोटे बच्चे किसके आश्रित होते हैं? जोर से, इसलिए उन्हें कोई टेंशन? हाँ, छोटे बच्चे यदि माँ बाप के आश्रित हैं तो उन्हें कोई टेंशन नहीं। आप भी जिस दिन भगवान के आश्रित हो जाओगे आपको भी कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आप आश्रित हो गए। आप आश्रित नहीं हैं इसलिए परेशान हैं। समर्पण करिए तो सही। हनुमान जी किसके आश्रित हैं? राम जी के। आप किसके आश्रित हो? दिल से मान लो कि प्रभु मैं आपका हूं। कपिल भगवान ने सिद्धा नाम की नदी बन गई मां, कपिल देव जी ने आचमन किया। मनु जी की तीसरी बेटी प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष से हुआ। एक बार शंकर जी अपनी पत्नी को लेकर कथा सुनवाने गए तो राम जी की खूब बढ़िया कथा हुई, पर माता सती को संदेह हो गया, ये कैसे भगवान है? भगवान होंगे, होते तो हमें दिखते ना। अच्छा ये बताओ, राम जी भगवान हैं या नहीं? फास्ट उत्तर दो, हां या ना? हैं। तो फिर रावण उनकी पत्नी को ले गया तो वो जंगल में सबसे रोते हुए पूछ रहे हैं, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, हे पशु पक्षी, क्या तुमने हमारी सीता देखी है? यदि वो भगवान थे तो उन्हें अपनी पत्नी का पता क्यों नहीं लगा? वो सबसे पूछते क्यों रहे? ये संदेह माता सती को हो गया। बताओ आप उत्तर दो, राम जी भगवान थे तो रावण ले गया, उन्हें पता क्यों नहीं लगा? वो पूछते क्यों रहे सबसे? आप उत्तर दो। हाँ हाँ, बैठे बैठे जोर से, ये भैया बताओ आप, ये वाली मैया बताओ, आगे वाली गुलाबी और लाल मैया, मैया बताओ मेरी माँ। ये माता सती कह रही है कि ये भगवान होते तो पत्नी का पता ना लगा लेते। शंकर जी को मना कर रही है, इनको क्यों प्रणाम कर रहे हो, ये कोई भगवान है? भगवान होते तो पत्नी का पता ना लगा लेते। मैया आप बताओ, ये माता सती ऐसा क्यों कह रही है? राम जी क्या भगवान नहीं है?
तो पता फिर राम जी को पता क्यों नहीं है? माता सती का संदेह जायज है, सही है या गलत है? जोर से आप कुछ बोलते नहीं, कोई गुस्सा है आप लोग हमसे क्या? फिर मैया बोलो, मेरी माँ कुछ तो बोलो। ओ पंचायती मैया, ओ भैया, हो गई पंचायत? सुनो, भगवान शंकर ने समझाया कि वो राम भगवान है, सब जानते हैं, तो माता सती बोली कि पत्नी का पता क्यों नहीं लगाया? तो भगवान शंकर बोले वो लीला कर रहे हैं, उन्हें पता सब है, पर वो लीला पुरुषोत्तम लीला कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं प्रभु? लीला। माता सती भगवान राम पर संदेह करती हैं और सीता का रूप बनाकर राम जी के आगे खड़ी हो जाती हैं और राम जी पहचान लेते हैं। बाद में शंकर जी ने माता सती का त्याग कर दिया, वही सती पार्वती बनकर आई और शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। मनु जी महाराज की तीन बेटियों की कथा हमने आपको सुनाई। अब मनु जी महाराज के दो बेटे हैं, प्रियव्रत उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव। ध्रुव जी ने अपनी मां से तीन सवाल किए हैं, आज मैं तीन प्रश्न पूछूंगा आपसे और तीनों प्रश्नों का उत्तर मैं आपको कल की कथा में दूंगा, तब तक आप खोजबीन कीजिएगा। पहला प्रश्न, माया क्या है? पहला प्रश्न, फास्ट, पहला प्रश्न माया। चार प्रश्न पूछूंगा, पहला प्रश्न माया, और इसको कल मैं बहुत तरीके से आपको समझाऊंगा माया क्या है, प्रमाण देकर, कथाएं सुनाकर, आनंद आएगा आपको। पहली, माया क्या है, पहला प्रश्न। दूसरा, भगवान कहां है और हैं तो दिखते क्यों नहीं? प्रश्न दूसरा, भगवान कहां है और हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? प्रश्न तीसरा, कि भगवान इस समय, मतलब आज 21 जनवरी को भगवान इस समय क्या कर रहे होंगे? भगवान इस समय क्या कर रहे होंगे, क्या करते हैं भगवान अभी, क्या कर रहे होंगे वर्तमान में? और प्रश्न चौथा, कि भगवान किस ओर देखते हैं, भगवान किस तरफ देखते हैं? आपकी तरफ, यदि भगवान आपकी तरफ देखते हैं तो हमारी तरफ पीठ होगी, और हमारी तरफ देखेंगे तो आपकी तरफ पीठ। तो भगवान किसकी तरफ देख रहे हैं, आपकी तरफ या हमारी तरफ? चार प्रश्न हैं, ये चारों प्रश्न ध्रुव जी ने अपनी मां से पूछे और कल मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर बहुत तरीके से आपको दूंगा। ध्रुव जी अपमानित तो हो गए अपनी मां से और तप करके भगवान को प्रकट किया और समाज की खूब सेवा की, भगवान से वरदान लेकर। कुल मिला के आप एक बात समझिएगा कि हमारी कथाएं, हमारे वेद पुराण, हमारा जितना भी ध्रुव प्रहलाद का चरित्र है, सारी कथाओं का सार केवल इतना है कि आप भगवान का चिंतन करें और समाज को भगवान मानकर सबकी सेवा करें। ये सार है, सारम सारम समुद्रतम। बेटे को क्या करना चाहिए मां बाप की, एक बात समझो। एक बार अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण जा रहे थे, एक भिखारी आया, भिखारी बोला अर्जुन कुछ दे दो, सोने से भरी पोटरी अर्जुन ने उस भिखारी को दी। भिखारी बस मजा आ गया, अब तो मैं माला माल हो गया, बंगला बनाऊंगा, मैं राजा बनूंगा। अर्जुन ने इतना सोना दिया उसे, वो तो धन्ना सेठ हो गया। लेकिन वो जब आगे चला तो चोरों ने धन सारा छीन लिया। भिखारी फिर वापस आया, हे अर्जुन जो धन दिया वो चोरी हो गया। अर्जुन दयावश फिर एक मणि देते हैं, अर्जुन ने मणि दी, वो मणि लेकर चला, वो मणि भी वेश कीमती, बेचता तो करोड़ों की बिकती। उसे लगा मैं अब बंगला बनाऊंगा, ये तो और कीमती है।
प्यास लगी वो पानी पीने एक सरोवर में गया, दुर्भाग्य देखी भिखारी के हाथ से वो मणि पानी में गिर गई। भिखारी तीसरी बार आया, अर्जुन कुछ दो। अर्जुन बोले तेरे भाग्य में गरीबी है, मैं कितना धन तुझे दिया पर तेरे हाथ में ठहरा नहीं। अच्छा कई बार आपके पास भी बहुत पैसा आता है लेकिन ठहरता नहीं है, ये आपका सवाल है। उस गरीब के पास भी बहुत धन आया पर रुका नहीं। अर्जुन ने बोला शायद तेरे भाग्य में गरीबी ही है इसलिए इतना धन तेरे पास आया पर रुका नहीं। तब भगवान कृष्ण मुस्कुरा पड़े। भगवान बोले अर्जुन इसके भाग्य में गरीबी नहीं है। तो अर्जुन ने कहा इसके पास गरीबी नहीं तो पैसा मैंने दिया रुका क्यों नहीं। भगवान बोले चलो अब मैं देता हूं। तब भगवान ने उस भिखारी को कुछ पैसे 2, 5, 10 पैसे दे दिए। अर्जुन ने करोड़ों की संपत्ति दी तो उसके पास रुका नहीं और भगवान ने कितना दिया कुछ पैसे। अब वो भिखारी बोला राम राम इतने पैसों से रोटी भी नहीं आएगी क्या करूं। उस भिखारी ने सोचा क्या करूं। तभी एक मछुआरा मछली लिए जा रहा था, उसी सरोवर की मछली थी जिस सरोवर में उसकी मणि गिरी। वो मछली बड़ी तड़प रही थी तो इस भिखारी को दया आई और दया करके बोला हे मछुआरा ये मछली मुझे दे दो मैं पानी में छोड़ दूंगा तुम पैसे ले लो। मछुआरा बोला कितने पैसे। बोले कुछ पैसे हैं। तो जो कृष्ण ने पैसे दिए मछुआरे को दिया, मछुआरे को भी लगा एक मछली कितने पैसे ठीक है। वो मछली देकर चला गया। मछुआरा गया तो मछली के गले में वही मणि फंसी थी जो इसकी गिरी थी। वो मछली के गले से निकली इसके कमंडल में आई। ये चिल्ला पड़ा मिल गई मिल गई। तो चोर झाड़ियों में छिपे जिसने इसके सोने से भरी पोटरी चुराई। उन चोरों को लगा लगता हमारी खबर से मिल गई। तो चोरों ने लाकर उसका खोया हुआ धन भैया राजा को मत बताना वरना मृत्यु दंड होगा ये तू वापस ले ले। अर्जुन ने सारा दृश्य देखा कि उसकी मणि भी मिल गई और उसका खोया हुआ सोना भी मिल गया। अर्जुन दौड़े दौड़े कृष्ण के पास गए प्रभु ये क्या लीला है आपकी। वो तो गरीब था आपने पल भर में उसे करोड़पति बना दिया उसका धन वापस दे दिया। अर्जुन ने कहा क्यों। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा उसकी गरीबी का वो ही जिम्मेदार था और उसकी अमीरी का वो ही जिम्मेदार है। अर्जुन बोले मैं समझा नहीं। तब भगवान ने समझा दिया एक लाइन में। भगवान कृष्ण बोले अर्जुन जब तुमने उसे सोना दिया और मणि दी तो उसने अपने बारे में सोचा मैं बंगला बनाऊंगा मैं राजा बनूंगा। और जब मैंने उसे कुछ पैसे दिए तो उसने अपने बारे में नहीं दूसरों के बारे में तड़पती हुई मछली के बारे में सोचा। और जो दूसरों के बारे में सोचता है मैं उसे धन धान्य से भर देता हूं। जो दूसरों के बारे में सोचता है मैं उससे धन धान्य से जोर से हां। तो आप अपने आप को धन धान्य से भरा हुआ देखना चाहते हैं तो गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माताएं रहती हैं जो वहां हजारों संतों की सेवा होती है उन मां और संतों के बारे में सोचना स्टार्ट कर दीजिए। अपनी कमाई का 2% 5% सेवा से जोड़ना स्टार्ट कर दीजिए। मैं गारंटी लेता हूं कि सुदामा ने मुट्ठी भर चावल ही दिए थे बाद में भगवान ने क्या दिया। भगवान इतना सा लेते हैं तो इतना सारा करके देते हैं। इसलिए आप भक्त लोग आपसे बस इतनी प्रार्थना है देने लायक ईश्वर ने बनाया है ये आपकी खुश नसीबी है। यदि देने लायक है तो दो और नहीं देने लायक तो भगवान से प्रार्थना करूंगा आप सबके लिए कि ईश्वर आपको देने के लायक बनाए। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत भोजन करते हैं मेरी मां। आप भी एक दिन का प्रसाद अपनी ओर से बंटवाकर हजारों संतों को भोजन देकर सेवा से जुड़ सकते हैं। आप भी एक दिन का अन्न क्षेत्र बंटवाइए। आप भी एक दिन की रसोई सेवा बंटवाइए और वहां हजारों भक्तों को अन्नदान देकर पुण्य से जुड़िए। और साथ ही
गौरी गोपाल आश्रम में जो बच्चे अपनी माँ को निकाल बाहर करते हैं, ऐसी माँ को वहां अंदर आश्रम में रखा जाता है। उन माँ से कोई शुल्क नहीं लिया जाता। तो इंसानियत के नाते यदि हम सेवा करते हैं तो आप सब हम मिल करके सपोर्ट करके हम सब एक दूसरे का साथ देकर उस कार्य को आगे बढ़ाएं और आप उन माओ के बेटा बेटी बनकर सहयोगी बने। आप आश्रम में कमरा बनवाकर माओ की सेवा करें, आप एक कमरे की छत डलवाकर माओ की सेवा करें, या फिर आप एक माओ को एक माँ को गोद लेकर जीवन भर रोटी देकर माओ की सेवा से अपने धन धान्य को जोड़ें। एक माँ को आप गोद लीजिए, एक माँ का सहारा बनिए, एक माँ को गोद लेकर आप जीवन भर रोटी देने का संकल्प कर सकते हैं। जिस लायक ईश्वर ने बनाया भक्तों, जो दूसरों के लिए सोचता है उसके लिए भगवान बैठे हैं सोचने के लिए। पर उपकार के लिए हाथ पीछे ना कीजिएगा, हाथ आगे बढ़ेंगे तब भगवान बढ़े हुए हाथों को थाम लेंगे। गौरी गोपाल आइएगा अपनी आंखों से माओ का दर्शन। गौरी गोपाल गौशाला में गौ माताओं की सेवा होती है, आप भी गौ माता की सेवा। गौ माता के लिए गौग्रास गौचर भूमि, एक गज भूमि दो गज भूमि देकर सहयोगी बन सकते हैं। आइए आप में से कुछ दानवीर महापुरुषों ने इन वृद्ध माओ के लिए कुछ सोचा, इन माओ की सेवा से जोड़ा। आइए नाम सुनते हैं, फिर आगे की कथा सुनकर आरती के बाद ही जाइएगा, सब बैठे रहिए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आइए नाम सुनते हैं उन दानवीर महापुरुषों का जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। समस्त सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। जैसा कि पूज्य श्री महाराज जी ने बताया कि विभिन्न प्रकार के सेवा प्रकल्प श्री धाम वृंदावन में चलाए जा रहे हैं, उन सेवा प्रकल्पों में अपना सहयोग समर्पित कर रहे हैं उन महानुभावों के नाम श्रवण करेंगे। श्री संतोष अग्रवाल जी, पावन अग्रवाल कृष्ण जी, आप 82,000 रुपये का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। महेश कुमार छत्तीसगढ़ से 25,000 रुपये, पवन कुमार हरियाणा से 11,000 रुपये, पुष्पा देवी झुंझुनवाला हैदराबाद से 11,000 रुपये, हीरा साहू छत्तीसगढ़ से 11,000 रुपये, मंजू देवी जयपुर से 11,000 रुपये, यादव जितेंद्र सिंह यादव मध्य प्रदेश से 11,005 रुपये, पुष्पा जैसलमेरिया जोधपुर राजस्थान से 11,000 रुपये, पंकज जायसवाल कटिहार बिहार से 10,000 रुपये, सुष्मिता मिश्रा ओडिशा से 6,000 रुपये, विघ्नेश हलधरा पांडे मुंबई महाराष्ट्र से 5,500 रुपये, हरिचंद कंडपाल हल्द्वानी उत्तराखंड से 5,100 रुपये, शीला देवी कोलकाता से 5,100 रुपये, छत्तीस लक्ष्मीबाई साहू लोकेश कुमार साहू छत्तीसगढ़ से 5,100 रुपये, मनोज कुमार झारखंड से 5,000 रुपये, सूरज शुक्ला उत्तर प्रदेश से 4,000 रुपये, सोनी देवी झारखंड से आप 2551 रुपये, गणिका साहू छत्तीसगढ़ से 2111 रुपये, और भी बहुत सारे लोग हैं जो आप गुप्तदान कर रहे हैं, एवं डूमर सिंह पद्मनी चंद्राकर रायपुर से आप 5,001 रुपये का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मंजू अशोक जदवानी जी रायपुर छत्तीसगढ़ से आप 11,000 रुपये, राधाबाई निषाद हीरापुर से 11,000 रुपये, अंजू तमेकर छत्तीसगढ़ से विशेष सहयोग, सुरेंद्र सिंह जी 2,200 रुपये, निर्मल सिंगल धौलपुर से विशेष सहयोग, भरत कुमार जी दिल्ली से 11,000 रुपये, गोमान सिंह जी पन्ना मध्य प्रदेश से 5,100 रुपये का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, स्वर्गीय मुन्नी देवी गाजियाबाद से 3,000 रुपये, महेश जी दिल्ली से आप 11,000 रुपये, गुप्तदान दिल्ली से 5,100 रुपये का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, राधाबाई निषाद हीरापुर से 11,000 रुपये, गोविंद शर्मा भिंडवानी से आप छत्तीसगढ़ से 11,000 रुपये, बुधराम मराठा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आप 5,100 रुपये का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, श्री कला राजपूत जी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आप 11,000 रुपये का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी श्रृंखला में श्री उषा बेमित्रा छत्तीसगढ़ से आप 3,000 रुपये, तारामती साहू राजकुमार साहू छत्तीसगढ़ से 11,001 रुपये, मतनबाई दीवान महासमुंद छत्तीसगढ़ से 2,001 रुपये, आरती दीवान महासमुंद छत्तीसगढ़ से 2,001 रुपये, सुश्री झुलसीबाई साहू केलाबाड़ी छत्तीसगढ़ से आप दुर्ग छत्तीसगढ़ से 5,000 रुपये, ईश्वरी उमाशंकर भाटापारा से 2,001 रुपये, उत्तम सिंह जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आप छत्तीसगढ़ से 11,000 रुपये का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल से 3,805 रुपये, हीराबाई सुरकी टीकाराम साहू छत्तीसगढ़ से 11,000 रुपये, सुशील वर्मा रिवम वर्मा जी आप रायपुर से 1,100 रुपये का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, अन्नपूर्णा माझी रायपुर छत्तीसगढ़ से 11,000 रुपये, दुर्गाचारण झा जी भागलपुर बिहार से आप 2,000 रुपये का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, श्री राधे गोविंद रायपुर छत्तीसगढ़ से 21,001 रुपये, लक्ष्मी साहू रायपुर छत्तीसगढ़ से 2,001 रुपये, डॉक्टर योगेंद्र डॉक्टर पुष्पेंद्र रायपुर छत्तीसगढ़ से आप 2,001 रुपये, श्याम बली सिन्हा गरियाबंद छत्तीसगढ़ से आप 21,000 रुपये का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, शशिकला साहू दुर्ग छत्तीसगढ़ से 21,000 रुपये, जानकी साहू चरोहा से आप 2,100 रुपये, गोविंद साहू रायपुर छत्तीसगढ़ से 11,001 रुपये, श्यामलाल कुमार स्वर्गीय योगेश कुमार भिलाई से 11,000 रुपये, बसंत शर्मा शशि शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से 21 रुपये, भूतपूर्व नगर पंचायत लक्ष देव कश्यप बिलासपुर छत्तीसगढ़ से 21,000 रुपये, एवं कार्तिक जी दिल्ली से 21 रुपये, गिरजा देवी सलगापुर से 11,000 रुपये, ओम प्रकाश मधुवाला उज्जैन से 11,000 रुपये, शारदा देवी माहेश्वरी जी दिल्ली से 21 रुपये, प्रिया महांत जी
चंडीगढ़ से 7200 रुपए, गोदावरी उत्तराखंड से 11000 रुपए, पुष्परानी दिल्ली से 21000 रुपए, बमला देवी 5000 रुपए, बमला देवी बिठालाल 11000 रुपए, संतोष राव सूरत गुजरात से 5100 रुपए, ईश्वरी साहू बिलासपुर छत्तीसगढ़ से 5100 रुपए, देव कुमार सेन भाटापारा से 11000 रुपए, गुप्तदान नारायणपुर वालों की तरफ से 51000 रुपए का सहयोग समर्पित किया जा रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। देव कुमारी तामेश्वर रायपुर से 2100 रुपए, राहुल अपान यादव जी रायपुर से 5100 रुपए, हीराबाई श्रवण बिलासपुर से 2100 रुपए, निर्मला छत्तीसगढ़ से 3001 रुपए, सुमित्रा मनुराम जी उड़ीसा से 11101 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, तेजनाथ साहू रामपुर से 21000 रुपए, स्वर्गीय परमानंद तिवारी रायपुर से 10051 रुपए, सविता सुरवानी जी 25000 रुपए, काला देवी 21000 रुपए, शैलेंद्र जी विशेषयोग लक्ष्मी जी 2000 रुपए, यशोदा जी 21 रुपए, रमेश रजनी राजनगांव से 5100 रुपए, रुक्मणी बाली रायपुर से 11000 रुपए, प्रदीप जी रायपुर से आप 21 रुपए, उर्मिला जी गुड़ियारी से 2101 रुपए, हेम सागर जी लक्ष्मीपुर से 6000 रुपए, राधाबाई दीवर रायपुर से 11101 रुपए एवं रमेश कुमार अग्रवाल जी उड़ीसा से 11000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अब आइए आरती के कुछ जो महानुभाव हैं उनका नाम बोलूंगा, आप मंच पर आए, जिनके नाम लिए जा रहे हैं कृपया वही मंच पर आए। आयोजक श्री सुनीता बाजारी, ओम प्रकाश बाजारी, पिंकी बाजारी, कान्हा बाजारी, राधिका बाजारी जी, आप सपरिवार ऊपर आए मंच पर। तत्पश्चात रायपुर सांसद श्री सुनील सोनी जी, श्री विनोद अग्रवाल जी एवं ओमकार बैस जी, गौतम बाजारी जी से आग्रह करूंगा ससम्मान सोनी जी को मंच पर लाएं। डीआईजी पुलिस विभाग श्री एन के सिंह जी, श्री हनुमान मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख डॉक्टर श्री सुनील खेमका जी, शैलेंद्र दुग्गड़ जी, विजय जडेजा जी मुंबई से पधारे, उद्योगपति श्री अनिल भम जी व विष्णु शर्मा जी मंच पर पधारे, प्रभात अग्रवाल, सपत्नीक शैलेश शर्मा जी, दीपक अग्रवाल, नीरज गोयल, संजय जी, प्रदीप जी, जेपी तिवारी जी, पवन अग्रवाल ऋषि जी, विक्की महिला टीम से इल्लू जोशी जी, रेखा जी, हीरा जी एवं लता साहू, चंदा देवांगन, माधुरी गुप्ता, पूर्णिमा शर्मा, आप कृपया जिनका नाम मंच के लिए आमंत्रित किया जा रहा है वही आएं। और आइए अब इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में आरती की ओर। लेकिन आपसे एक निवेदन करूंगा, जो भक्त यहां उपस्थित हैं और अपना सहयोग गौरी गोपाल में समर्पित करना चाहते हैं, जहां से आप निकास द्वार से बाहर जाएंगे वहीं पर गौरी गोपाल के कार्यालय लगे हुए हैं, आप अपना सहयोग समर्पित करते हुए इन सेवाओं में अपना हाथ बटाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय हो। जी स्वागत है आपका। ध्रुव जी महाराज, तप के बल से भगवान ने 36000 वर्षों का राज्य दिया, ध्रुव जी के पिता ने राजा बनाया, प्रेम से राजगद्दी में बैठकर ध्रुव जी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं और प्रेम से गृहस्थी में रहकर प्रजा की सेवा करते हैं। ध्रुव जी की चर्चा विस्तार से कल। कल सभी लोग राम जी का उत्सव यहाँ मनाएंगे, कल पीला वस्त्र या भगवा वस्त्र पहनकर आएंगे सब लोग और हाथ में झंडा लेकर आएंगे। कब लोग? कल सभी लोग हाथ में हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, तो ध्वज लेकर के आएंगे, है ना। कल आइए राम ध्रुव जी राजा बन के प्रेम से प्रजा की सेवा, आगे की चर्चा कल। कल कथा 1 बजे से रोज की तरह। श्रीमन नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। हरि ओम माम चंद्रमा मनसोर्जा दशचोः सूर्योदय 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 नीरजाय मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में
हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फसी नाव मेरी तार दो भगवन। हो गरुड़ करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। हाँ जिंदगी दया की कभी मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ती, उतारूं मैं गिर घर तेरी आरती। से क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। हो मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जागे भाग सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ बीणता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीणता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास अनिरुद्ध तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम कर्मावतारम संसार सारम मजगेंद्र हारम सदा वसंतम हरियारविंदे हवम भवानी जयदंडम। मंदार माला दुर्गर राय कपाल माला तुलसे खराया, यज्ञ पराय जगदम्बरा नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता जगदा त्वमेव त्वमेव मन्त्रो दशा त्वमेव त्वमेव विद्यानं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदे। गुरोर् ब्रह्मा गुरोर् विष्णु गुरोर् देवो महेश्वरा गुरोर् साक्षात् परब्रह्मतस्मै श्रीगुरवे अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेव हरे श्रीहरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी रामचंद्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
कृष्ण हरे हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे घट वंशी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा घट वंशी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा आज नगराल बरस रहे नैना आज गोपाल बरस रहे तरस रहे नैना बरस रहे नैना बरस रहे नैना बरस रहे नैना गोपाल तरस रहे नैना गोपाल तरस रहे गोपाल तरस रहे गोपाल तरस रहे नैना श्रीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनमस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा मंत्र पुष्पाञ्जलिः जदनेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाते हनाकं महिमानः सजन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् सेवन्दिकां बकुलजं बकपाटलाब्जै उन्नाकजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीतलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय व्यास नारायण भगवान की जय धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो गौ हत्या बंद हो ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की जय हो आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो आद्य गुरु रामानुजाचार्य भगवान की जय हो आद्य गुरु रामानंदाचार्य भगवान की जय हो भक्तावंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो बुढ़ियारी वाले हनुमान जी महाराज की जय हो वृंदावन धाम की जय हो हरिद्वार धाम की जय हो काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो नमः आज यहाँ के कार्यकर्ता हैं पांडाल के प्रकाश अग्रवाल जी दीपक अग्रवाल जी दीपक अग्रवाल जी का जन्मदिन है आपका बहुत बहुत स्वागत भगवान आपकी आयु लंबी करें सदा सुखी और स्वस्थ रहें दीपक भैया जो यहाँ की सेवाएं संभालते हैं आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हैप्पी बर्थडे टू यू अभी 6:30 बजे प्रश्नोत्तरी होगी सारे लोग आप प्रश्नोत्तरी अपने मोबाइल पर देख सकते हैं दीपक भैया खुश रहिए और आप सभी इस प्रश्नोत्तरी से जुड़िएगा कल कक्षा 1 बजे से होगी आप समय से आइए समय के पहले आकर अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए सुनने वालों कथा को देता यही विराम कल फिर हम सुनवाएंगे लेकर कृष्ण का नाम जय जय श्री कृष्णा जय जय श्री कृष्णा जय जय श्री कृष्णा जय जय श्री कृष्णा शरण पड़े की लाज है तुम राखो रघुनाथ दोनों भुजा पसार के मेरे चरण में मान सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम आप सभी भक्तों से निवेदन है जिनको भी महाराष्ट्र से बनाए भेंट करना है आप लोग